अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर न्यू लाइव स्ट्रीम। तो आज हम आ चुके हैं हमारे इस टूर्नामेंट का जो डे चल रहा है वो डे टू चल रहा है। डे वन में जो विनर अप मतलब रनर अप जो हमारे जितने भी लड़के अच्छा खेल रहे हैं ना, मतलब जिन्होंने अच्छा खेला है डे वन में तीन मैचेस में, हीरो गेम और वाईटी ने 7 किल किए, जस्ट द वन ने 4 किल किए, डॉक्टर अरसलान ने 4 किल किए, जस्ट फरहाद ने 3 किल किए, जुटाए कोपी ने 3 किल किए, TW हसन ने 3 किल किए, जस्ट एफ ए खान ने 2 किल किए, इसी के साथ मुल्तानी ने भी 2 किल किए, एम सभी ने 2 किल किए, ओएस ने 2 किल किए, C7 हसन ने 2 किल किए, लेजेंड बॉय 829 ने भी 2 किल किए, नूब 4 ने 1 किल किया, एहसन ने 1 किल किया, उसके साथ ही बूजान ने भी 1 किल किया। आज देखते हैं आज सबसे ज़्यादा किल कौन निकालता है। आज आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि जुटाए कॉपी और उसके साथ ही हीरो गेम और वाइट ही किल निकालेंगे। तो सबसे पहले बॉयस चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग अपना कस्टम रूम बनाते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लें। उसके बाद फिर हमारे 3 कस्टम हैं लिविक के छोटे छोटे, तो हम स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही ब्लेजर रोमियो की बात करें, ब्लेजर रोमियो ने 1 किल निकाला बट टॉप 10 में अपना जगह नहीं बना पाए। तो आई थिंक सो ब्लेजर रोमियो की बात करें तो यहाँ पर आज निकाल सकते हैं ब्लेजर रोमियो अपना किल निकाल सकते हैं। और क्या आज मुल्तानी जिसने 2 किल किए हैं, ओएस ने 2 किल किए हैं, क्या ये लड़के आज जो 3 किल 4 किल्स के साथ आगे जा रहे हैं कि उनको डिफीट कर पाएंगे? आई थिंक सो हीरो गेम और वाईटी की बात करूँ, 7 किल के साथ लड़का आज फिर दोबारा अच्छा खेलेगा, जस्ट द वन भी टक्कर देगा। और इसके साथ ही अरसलान, डॉक्टर अरसलान ने 4 किल किए, और आई थिंक सो आज C7 हसन के 2 किल हैं क्योंकि C7 हसन ने 1 मैच के अंदर 2 किल किए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम लेजेंड गेमिंग। ओके चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग अपना रूम बनाते हैं। सबसे पहले रूम लिवी का रूम बना रहा हूँ, जल्दी से बॉयज ज्वाइन कर लो, पासवर्ड भी सेम रहेगा। वो किधर गया? 1122 1122 3 3, पासवर्ड वही सेम रहेगा डे वन का। और जल्दी से ज्वाइन कर लो बॉयज, मैं जल्दी से स्टार्ट कर दूंगा, हम टाइम बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करेंगे अपना। ओके एडी पास, मैं आज फुल मूड में हूँ। अच्छा ओके तो लड़के आज फुल मूड में दिखाई दे रहे हैं। मैं एडी पास यहाँ पे पिन कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हेल्प, व्हाट हेल्प, VIP गेमिंग ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। जितने भी देख रहे हो ना, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा बॉयज, लाइक लाजमी कर देना। मैं कहाँ से ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं आईडी पास आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग जहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, आईडी पास के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। और मैं लोगों को ना एज जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है उनको भी मैं इनवाइट सेंड करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को आईडी पास दे देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पे जो अभी आईडी पास आ रहा है आप देख सकते हो, आईडी पास आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। मैं इसको पिन कर रहा हूँ, इस वाले आईडी पास को। तो यहाँ से मैं लड़कों पहले ज्वाइन मतलब लड़कों को ना, मैं डी डब्ल्यू हसन की बात करें, उसने 3 किल निकाले हैं, लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जितने भी प्लेयर हैं उनको इनवाइट करता हूँ। आज की पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उस बात क्या कहते हैं जो हमारे विनर हैं, जो कल के विनर हैं वो हीरो गेमर वाईटी हैं, 7 किल के साथ खेल रहे हैं, जस्ट द वन जो कि 4 किल के साथ खेल रहे हैं, इसके साथ डॉक्टर अरसलान 4 किल के साथ खेल रहे हैं, जस्ट फराद की बात करूँ तो 3 किल के साथ खेल रहे हैं, जुटैक की बात करूँ 3 किल के साथ, DW हसन की बात करूँ तो 3 किल के साथ खेल रहे हैं, जस्ट एफ ए खान 2 किल के साथ खेल रहे हैं, मुल्तानी 2 किल के साथ खेल रहे हैं, एम सभी खान 2 किल के साथ, ओएस 2 किल के साथ खेल रहे हैं, C7 हसन ने 1 मैच खेला 2 किल निकाले, क्या ही खूबसूरत उसने नेड किया, वो बहुत ही खूबसूरत नेड था जो कि टेक डाउन किया था, जस्ट द वन को टेक डाउन किया था, लेजेंड बॉय 829 जो कि 2 किल के साथ खेल रहे हैं, लूप 4 1 किल के साथ खेल रहे हैं, एहसन भुट्टा ने 1 किल किया था, बूजान ने 1 किल किया था। आईडी पास मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, आप जल्दी से ज्वाइन कर लो बॉयज। और ओके तो मैं इसको पहले सोलो कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ओके लड़के आ चुके हैं, ज्वाइन कर गए हैं, वॉइस ओवर कर दो क्या मतलब, मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही? सबसे पहले मुझे ये बताएं वॉइस ठीक नहीं आ रही, कोई मुझे मैसेज कर सकता है, वो कमेंट कर सकता है कि क्या मेरी वॉइस सही नहीं आ रही, कोई बता सकता है कि मेरी वॉइस सही नहीं आ रही? 1 2 3 मैक चेक, मेरी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई मुझे बताएगा मेरी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है? वॉइस ठीक है ओके। तो हीरो गेम और वाईटी 7 किल के साथ है, और उसके साथ ही जस्ट द वन 4 किल के साथ है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर अरसलान 4 किल के साथ है, जस्ट द वन डॉक्टर अरसलान का मुकाबला चल रहा है 4-4 किल के साथ, जस्ट फरहाद का, जुटाए कोपी का, DW हसन का 3 किल के साथ, इन तीनों का
टक्कर का मुकाबला होने वाला है। अभी हीरो गेम और वाइटी का कोई टक्कर का मुकाबला नहीं हो रहा क्योंकि उसके 7 किल हैं और यहाँ पर जस्ट एफ ए खान 2 किल के साथ, मुल्तानी 2 किल के साथ, एम सभी 2 किल के साथ, ओएस 2 किल के साथ और सी सेवन हसन 2 किल के साथ, लेजेंड बॉय 2 किल के साथ, नूब 4 1 किल के साथ, एहसन 1 किल के साथ, अबू जान जो है ना वो 1 किल के साथ खेल रहे हैं, वुल्फ यूट्यूब वुल्फ ने 3 किल निकाले थे बट टॉप 10 में नहीं आया जिसकी वजह से उसके किल अकाउंट नहीं होंगे। आज का रिजल्ट कुछ ऐसा है, लेट्स सी देखते हैं आज क्या होता है, आज कौन कौन किल निकालता है। हसन की बात करूँ तो हसन ने सी सेवन हसन ने सिर्फ 1 किल मैच खेला, उसमें 2 किल निकाले, बहुत खूबसूरत गेम प्ले किया हसन ने और उसके साथ ही अफनान ने भी बहुत प्यारा गेम किया बट वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। जितने भी लड़के उनको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जल्दी से आ जाए, ज्वाइन कर लें। जुटैक आ चुके हैं, जुटैक हीरो गेमर वाइटी भी ब्रो इसको मैं कहता हूँ कम। ओके सबसे पहले मैं लड़कों को ऐड कर लेता हूँ। ओके बॉयस पहले बता दूँ जितने भी सलाम और वालेकुम सलाम, किंग शहजाद भी वेलकम टू द स्ट्रीम। मैंने बोला कि आप शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो गेम प्ले वीडियो ही डाला करो, इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे। क्या कहते हैं इन जितने भी हमने मैच कराए हैं कल के, उनके जितने भी मतलब कि स्क्रीन शॉट मैंने ली हैं वो मैंने अपने इस इंस्टा के अकाउंट पर अपलोड कर दिए हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आई थिंक सो इंस्टा का या डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, वहाँ से आप मुझे इजीली वहां से फाइंड आउट कर सकते हो और वहां पर आपको रिजल्ट डेली की बुनियाद पर मिलते रहेंगे। तो बॉयज़ सबसे पहले फिर रिपीट कर रहा हूं कल डे 1 के जितने भी अच्छे खेलने वाले प्लेयर हैं उनमें हीरो गेम और वाइटी हैं जिन्होंने 7 किल निकाले, जस्ट द वन 4 किल के साथ हैं, डॉक्टर असलान 4 किल के साथ हैं, जस्ट फुरा 3 किल के साथ हैं, जुटैक ओपी 3 किल के साथ हैं, उसी के साथ DW हसन 3 किल के साथ हैं। इन लोगों को मैं इस वजह से रिपीट कर रहा हूं, देखो आप लोग टॉप 10 में आओगे, आप लोगों के किल होंगे तो उन किल को मैं अकाउंट करूंगा, उन किल को फिर अपने पास ऐड करता रहूंगा, उन्हीं के मुताबिक ही मैं रिजल्ट बनाता रहूंगा, उनको साथ लेकर चलता रहूंगा। डे 1 का जो जितने प्लेयर्स ने अच्छा खेला है उनके जितने भी किल निकाले उन किलों को अकाउंट करता रहूंगा, इसी तरह से 7 दिन तक, बाकी 6 आज के दिन को मिलाकर 6 दिन बच चुके हैं हमारे पास, तो कुल मिला के बाकी 6 दिन हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छे खेलने वाले प्लेयर हमें आगे देखने को मिल सकते हैं, जैसे किसी सेवन हसन हो गया है, ब्लिज़र्ड रोमियो हो गया है, उसके साथ द वन हो गया, जस्ट फराद हो गया, जस्ट एफ ए खान हो गया, बट ये डिपेंड करता है गेम प्ले के ऊपर। तो सबसे पहले मैं लड़कों को ऐड कर दूं, ओके 25 प्लेयर के ऊपर मैं स्टार्ट कर दूंगा, 25 प्लेयर के ऊपर स्टार्ट कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सी सेवन हसन, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। 25 प्लेयर के ऊपर मैं स्टार्ट कर दूंगा, पहले ही बता रहा हूं। तो बॉयस डेली की बुनियाद पे खेलोगे, आप लोगों के खेल निकलेंगे डेली की बुनियाद पर, अगर आप लोग यहाँ पर आते रहोगे तो आपके इजीली खेल निकल पाएंगे। जैसा कि रिक्वेस्ट सेंड कर दो, मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दो ब्रो आपका, आई डोंट नो, मैंने सारों को सेंड कर दिया, जितने भी ऑनलाइन है मैं सारों को सेंड कर रहा हूँ, तो आ जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो। 25 प्लेयर के ऊपर मैं स्टार्ट कर दूंगा। सी सेवन फैजान हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, जितने भी देख रहे हो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ 10 मिनट के अंदर। अच्छा पहले हम अपना कस्टम रूम स्टार्ट कर देंगे, वेट यहाँ पर VIP साथ। अगर आप एमुलेटर के ऊपर हैं तो मैं आपको नहीं खिला पाऊंगा VIP गेमिंग, सॉरी ब्रो, यहाँ पर जितने भी हैं सॉरी ब्रो VIP गेमिंग मैं आपको नहीं खिला पाऊंगा क्योंकि ये हमारा जो कस्टम रूम है वो हो रहा है उसका क्या कहते हैं हमारा मोबाइल के, अगर आप मोबाइल पे आ जाते हो तो क्या ही बात है, हमारा एमुलेटर अलाउ नहीं है VIP गेमिंग। 700 UC का कस्टम रूम है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल प्लेयर है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आप मोबाइल पे आ सकते हो, उसके साथ ही एमुलेटर यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो सॉरी कोई ऐसी बात है तो भाई सॉरी उसके लिए बहुत सॉरी, मैं आपको नहीं खिला पाऊंगा। तो एमुलेटर प्लेयर अलाउ नहीं है, आज हम कोई एमुलेटर प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल प्लेयर है। 700 UC का टूर्नामेंट है, 1 दिन हो चुका है और हीरो गेम और YT सबसे आगे जा रहे हैं, उसके बाद जस्ट द वन है, उसके बाद डॉक्टर अरसलान है, उसके बाद जुटैकोपी फरहाद DW हसन है, तो ये जितने भी लड़के अच्छे खेल रहे हैं हीरो गेम और YT की बात करूँ तो 7 किल के साथ हैं, जस्ट द वन 4 किल के साथ, डॉक्टर अरसलान 4 किल के साथ हैं, जस्ट फरहाद 3 किल के साथ, जुटैकोपी 3 किल के साथ, DW हसन 3 किल के साथ, C7 हसन 2 किल के साथ, मुल्तानी 2 किल के साथ, एम सभी 2 किल के साथ, ओएस 2 किल के साथ और यहाँ पर लेजेंड बॉय 2 किल के साथ, नूब 4 1 किल के साथ और इसके साथ ही एसएन एकल के साथ।
पहले इसको मैं जितने भी लड़के हैं यार वो कि डॉक्टर असलान आ चुके हैं मेरे ख्याल में, लड़के अपने दोस्तों को बुलाने के लिए बार 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 बाहर जा रहे हैं, तो आई थिंक सो मैं यहाँ पर आल पे फेंक देता हूँ। आईडी पास आप लोगों के पास आ चुका है बॉयस, तो आप आईडी पास को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो ताकि मैं जल्दी से स्टार्ट कर दूँ। मैं सेंड करूँगा 25 प्लेयर के ऊपर ये मैं टूर्नामेंट स्टार्ट कर दूँगा, आज का पहला मैच हमारा। ओके हमें सिर्फ और सिर्फ 10 और प्लेयर चाहिए, उसके बाद मैं इस वाले मैच को स्टार्ट कर दूंगा जो आज हमारा पहला मैच है। तीन मैच होंगे हमारे, पहला दूसरा तीसरा लिविक में ही होंगे, शॉर्ट मैच कराएंगे, जल्द से जल्द इस टूर्नामेंट को ख़त्म करेंगे। और आप लोगों ने रूल वही है, सिंपल रूल है, आप लोगों ने टॉप 10 के लिए ही फाइट लेनी है, और दूसरी बात यह कि आपने किल निकालने हैं। टॉप 10 में जो आएगा उसके किल अकाउंट होंगे, अदरवाइज किसी और के किल अकाउंट नहीं होंगे। तो 700 यूसी का अबूजर कह रहा है ब्रो स्टार्ट कर दो, मैं करता हूँ स्टार्ट ब्रो। अगर मैं इसी तरह से स्टार्ट कर दूँ 14 प्लेयर के ऊपर, चार बंदे मरने के बाद ना वो फिर टॉप 10 में आ जाएंगे, 25 प्लेयर के ऊपर स्टार्ट कर दूंगा। जस्ट वन मिनट, लड़के अभी आएंगे, मैं इनको ऐड कर देता हूँ। ओ सॉरी गलती से उसको इन्वाइट चला गया यार, वो लड़के हीरो गेमर वाइटी आई थिंक सो नहीं आ रहा। हीरो गेमर वाइटी को मैसेज करता हूँ ब्रो, ये उसमें है नहीं, एमुलेटर अलाउड नहीं है, सॉरी एमुलेटर इज नॉट अलाउड। यार आईडी पास अपने दोस्तों तक शेयर कर दो प्लीज़, आईडी पास अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि मैं चल से चल स्टार्ट कर दूँ। तो आईडी पास अपने दोस्तों तक शेयर कर दो प्लीज़ ताकि मैं इस वाले टूर्नामेंट को चल से चल स्टार्ट कर दूँ। हीरो गेमर वाई टी एक इसको मैसेज कर देता हूँ। आईडी पास आप लोगों के पास आ चुका है, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। 6 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, बस 6 मिनट के बाद स्टार्ट करने लगा हूँ। कोई आया ना आया तो ठीक, मैं 6 मिनट के बाद स्टार्ट करने लगा हूँ। 6 मिनट के बाद मैं इस वाले टूर्नामेंट, लेजेंड गुलाम आ चुके हैं आई थिंक सो। यार कुछ लड़कों ने कहा है कि थोड़ा सा वेट कर लेना, 8:30 बजे की टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, पता नहीं यार लोग अभी तक क्यों नहीं आ रहे। मुझे 8:30 बजे की टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है 10:30 बजे के बाद। किंग गेमिंग किस तरह से आईडी का नाम छोड़ कर तो सही है यार। आईडी पास मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, आईडी पास बिल्कुल ही सिंपल है, 9876267 आईडी है और इसका पास है 112233। जितने भी देख रहे हो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं तहीम मुल्तानी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ बॉयज़, इसमें कोई डिले नहीं है, आप स्ट्रीम स्नैपिंग कर सकते हो, स्ट्रीम को देखकर अपनी गेम प्ले कर सकते हो, लेकिन टीम अप अलाउ नहीं है, पहले बता रहा हूँ। जो टीम अप करेगा, अगर टीम अप करते हुए मुझे दिखाई दिया गया तो उसको मैं यहाँ से बैन कर दूंगा, डिसमिस कर दूंगा, उसका पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल ही जब्त किया जाएगा, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा अगले राउंड के लिए। पहले ही बता रहा हूँ कोई टीम अप अलाउ नहीं है, सिंपल सी बात है, टीम अप अलाउ नहीं है, टीम अप अलाउ नहीं है, पहले ही बता रहा हूं टीम अप अलाउ नहीं है। सारे लड़के यार रैंक पुश कर रहे हैं, आई थिंक सारे लड़के ना रैंक पुश कर रहे हैं, रैंक पुश कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना वो नहीं आ पा रहे। कितने और रूम बनाने हैं भाई? दो और रूम बनाने हैं, इस रूम के अलावा एक और रूम भी बनाना है, दो और रूम बनाने हैं। तो किल निकालो, किल निकालो, टॉप 10 के लिए फाइट लो, किल निकालो, जितने ज़्यादा किल होंगे टॉप 10 में आओगे भाई, उतने ही ज़्यादा आप अपने किल अपने पास लेकर आओगे। तो फिर यहाँ पर जो रिज़ल्ट मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो उस रिज़ल्ट के मुताबिक आप विन कर पाओगे इस वाले टूर्नामेंट को। तो सीधी सी बात है, आज अगर बात करें हीरो गेमर वाईटी की, 7 किल के साथ हैं, जस्ट द वन 4 किल के साथ, डॉक्टर असलान 4 किल के साथ, जस्ट फरहाद 3 किल के साथ, जुटाए कोपी 3 किल के साथ, डी डब्ल्यू हसन जो हैं वो 3 किल के साथ हैं, जस्ट एफ ए खान 2 किल के साथ, मुल्तानी 2 किल के साथ हैं, इसके साथ एम सभी 2 किल के साथ हैं, ओएस 2 किल के साथ हैं, C7 हसन 2 किल के साथ हैं, लेजेंड बॉय 892 2 किल के साथ है, नूब 4 जो 1 AA किल के साथ है, उसके साथ ही हसन जो है ना 1 किल के साथ है। आपको पहले ही बता रहा हूँ 700 यूसी का कस्टम रूम है, इसमें आपको 700 यूसी दिए जाएंगे। इस पूरे टूर्नामेंट में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किल निकाले हैं, टॉप 10 के लिए ही क्वालिफाई करना है, 7 दिन तक जिसके सबसे ज़्यादा किल होंगे उसी को 700 यूसी का गिव अवे जाएगा।
ओके, बाकी हमारे पास 4 मिनट हैं, 4 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 4 मिनट हैं, 4 मिनट के बाद इस वाले पहले हमारा जो मैच है उसको स्टार्ट कर दूँगा। तो 4 मिनट हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा, पहले ही बता रहा हूँ, 4 मिनट के बाद इस वाले रूम को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आई थिंक सो आज जस्ट द वन की तरफ से गेम प्ले देखने को मिल सकता है, क्योंकि 4 किल हैं, थोड़ा सा सेफ खेलेंगे। और जुडाइक ओपी की बात करूँ तो 3 किल के साथ हैं, जुडाइक ओपी बहुत अच्छा खेलने वाले प्लेयर हैं, बट आज जुडाइक ओपी को किल चाहिए होंगे ताकि वो हीरो गेमर वाईटी को और जस्ट द वन को डॉक्टर अरसलान को डिफीट कर पाएँ। और यहाँ पर एफ़ ए की बात करें तो एफ़ ए ने भी किल निकाले हैं, मुल्तानी ने भी किल निकाले हैं। C7 हसन की बात करूँ तो इस लड़के ने बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले की है, और इसके साथ ही C7 हसन एक मैच के अंदर 2 किल निकाले हैं, बहुत ही खूबसूरत खेला। अगर C7 हसन यहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइव कर पाते शायद हो सकता था चिकन भी निकाल लेते, बट जून में डैमेज मिला और वहाँ से टेक डाउन हुए। लेजेंड बॉय ने बहुत खूबसूरत खेला। और कल की बात करूँ, डॉक्टर अरसलान ने जो कि बहुत खूबसूरत एक फ्लैंक दिया था रेड गेमिंग जोन के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत फ्लैंक दिया था। और जो सबसे हाईलाइट मैंने किया था अपने इंस्टा के अकाउंट के ऊपर जो था वो था C7 हसन का, एक बहुत परफेक्ट नेड गया है जस्ट द वन के ऊपर, परफेक्ट टाइमिंग थी उसकी, जिस तरह से लैंड किया, जिस तरह से टेक डाउन किया, बहुत ही खूबसूरत नेड था जो कि C7 हसन की तरफ से किया गया था। ओके, तो सबसे पहले बॉयस बता दूँ, 3 मिनट हैं, 3 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ इस वाले कस्टम रूम को, 3 मिनट हैं। एमुलेटर इज नॉट अलाउ, क्रिमिनल आ गया, अबू जर आ रहा है यार, प्लीज लीव मत करो, मैं स्टार्ट कर दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, लीव मत करना, पहले ही बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लीव मत करना, मैं 2 मिनट के बाद स्टार्ट करने लगा हूँ, 2 मिनट है, लीव मत करना, फिर ये मत कहना कि यार स्टार्ट कर दिया आपने, 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद ही आप लोगों ने, 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा। हेलो यार, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, 2 मिनट के बाद स्टार्ट करने लगा हूँ। तो बॉयस आज के लिए इतने ही प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप लोगों ने टॉप 10 के लिए फाइट लेना, सिर्फ 2 प्लेयर 3 प्लेयर 3 प्लेयर को मारने के बाद आप टॉप 10 में आ जाओगे। 1 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, 1 2 3 4 5 13 बंदे हैं, ठीक है मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ताकि एक जो डेली आते हैं उनकी उनको ही खिलाऊँ तो अच्छी बात है यार। वेट कर लो यार, 1 मिनट 2 मिनट बस 2 मिनट है। एम सभी खान आ चुका है, तो एम सभी खान आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी से कस्टम रूम को ज्वाइन कर लो, मैं किसी का वेट नहीं करूँगा, पहले ही बता रहा हूं, बाकी बहुत ज्यादा लड़के वेट कर रहे हैं। तो 2 मिनट हैं, बाकी जितने भी प्लेयर रह चुके हैं अब मैं उनको बार बार नहीं बुला सकता, तो भाई 2 मिनट हैं, जल्दी से आकर ज्वाइन कर लो। एफए खान को मैं इनवाइट कर रहा हूं, बाकी 2 मिनट हैं, 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूं। कस्टम रूम को जल्दी से आकर ज्वाइन कर लो, 2 मिनट बस आ रहा हूँ भाई, जल्दी से आ जाओ, 2 मिनट है, 2 मिनट है, 2 मिनट यार, 2 मिनट के ऊपर मैं कोई 2 मिनट नहीं दूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। बाकी प्लेयरों की मुझे रिस्पेक्ट करनी है, जितने भी ये प्लेयर आए हुए हैं ये भी वेट कर रहे हैं, 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। स्ट्रीम को देखकर आप अपनी कैंपिंग, अपना जोन को देखकर आप अपने जो फैसले वगैरह वो ले सकते हो, बट टीम अप आप नहीं कर सकते, टीमिंग इज़ नॉट अलाउ। अगर आप टीम अप करते हुए पकड़े गए तो मैं आप लोगों को इस वाले कस्टम रूम से, क्या इस टूर्नामेंट से ही डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, आपका पिछला रिकॉर्ड कोई भी नहीं होगा। तो टीम अप आप लोगों ने नहीं करना, स्ट्रीम को देखकर आप जो कुछ फैसला लेना चाहो वो कर सकते हो। स्ट्रीमिंग जो है वो वहाँ पर आप सस्पेक्ट वगैरह कुछ करके देख सकते हो, बट टीम अप अलाउ नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। तो बॉयस हमारे पास 1 मिनट और बाकी रह गया, तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। एफ़ ए खान अगर आपने कस्टम रूम खेलना है तो प्लीज़ आकर ज्वाइन कर लें, टीडीएम को छोड़ दें। एफ़ ए खान मैं स्टार्ट करने लगा हूँ 1 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ।
आईडी पास जो है ना, मैं एक दफ़ा कमेंट कर रहा हूँ। आईडी है हमारे पास 9876267, पास है हमारे पास 112233। तो आप लोगों के पास आ चुका है आईडी पास। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, मैं इस वाले कस्टम रूम को स्टार्ट करने लगा हूँ एक मिनट के अंदर बॉयज़। मैं किसी का भी अब वेट नहीं करूँगा, बाकी प्लेयरों को भी मुझे रिस्पेक्ट देना है, वो भी वेट कर रहे हैं। टाइम का पाबंद होना आपको लाजमी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक मिनट के अंदर। बॉयज आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक मिनट है, मैं इनवाइट। एमुलेटर इज़ नॉट अलाउ, सॉरी ब्रदर, एमुलेटर अलाउ नहीं है। बस मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। रूल मैं आपको पहले बता दूँ, सिंपल से रूल है। आप लोगों ने टॉप 10 के लिए फाइट लेनी है। आप लोगों ने टॉप 10 से पहले मारे गए, अगर आपने 5 किल किए, आपके किल अकाउंट नहीं होंगे। पहले ही बता रहा हूँ, रिजल्ट में आपकी 5 किल अनाउंस नहीं होंगे और उनको ना ही ऐड किया जाएगा। कल के दिन जिन्होंने अच्छा खेला है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा किल निकाले हैं, उनके नाम मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले हैं हीरो गेमर वाइटी 7 किल के साथ, जस्ट द वन 4 किल के साथ, डॉक्टर असलान 4 किल के साथ, जस्ट फ्रा 3 किल के साथ, जुटायकोपी 3 किल के साथ, डी डब्ल्यू हसन 3 किल के साथ, जस्ट एफ ए खान 2 किल के साथ, मुल्तानी 2 किल के साथ, एम सभी 2 किल के साथ, ओवैस 2 किल के साथ, सी 7 हसन 2 किल के साथ, लेजेंड वाइट 8892 2 किल के साथ, नूब 4 1 किल के साथ, एहसन 1 किल के साथ, अबू जान 1 किल के साथ। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ मैच को। ओके तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। हे वी गो, अल्लाह करे ग्लिच ना हो, बस ग्लिच वाला सीन ना हो। हो सकता है ये रूम ग्लिच कर जाए, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये रूम ग्लिच करे। अल्लाह करे रूम ग्लिच ना करे। अगर रूम ग्लिच हो गया ना, तो बॉयज़ पहले ही बता रहा हूँ, तो इस वाले कस्टम रूम को ना नहीं है, आई थिंक सो नहीं है ग्लिच, रूम ग्लिच नहीं है। गुड, जीजी हो गया, रूम ग्लिच नहीं है। हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर जारी भी आ चुकी हैं, जो कि एक लड़की हैं। लेट्स ही देखते हैं लड़की आज किस तरह से परफॉर्म करती हैं। और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें, तो टॉप 10 निकलना ईजी है, बहुत ईजी है। 18 प्लेयर के अंदर टॉप 10 निकलना बहुत ईजी है। कैंपिंग करो थोड़ी सी, टॉप 10 निकाल सकते हो। जैसे ही आप टॉप 10 निकालोगे, तो आपके लिए सर्वाइव करना, उसके साथ ही आप लोगों को किल निकालने में आसानी रहेगी। अगर प्लान पाथ की बात करूँ, तो ग्रून मिडस्टेन, लंबर यार्ड, ग्रैब ग्रस थोड़ा सा दूर है, उसके साथ ही यहाँ पर शिप यार्ड भी थोड़ा सा दूर है, होल्डस भी थोड़ा सा दूर है, एक्वाडक भी थोड़ा सा दूर है, तो ब्लूमस्टर भी थोड़ा सा दूर है। सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर जंप लगाया, वो लगाया डॉक्टर असलान ने, जो कि आई थिंक सो डॉक्टर असलान ने कल जो रेड गेमिंग जोन के ऊपर जो फ्लैंक दिया था, बहुत ही खूबसूरत फ्लैंक दिया था। उस फ्लैंक की जितनी भी तारीफ की जाए, बहुत ही कम है। डी डब्ल्यू हसन की बात करूँ, ये लड़का 4 किल के साथ जस्ट धवन को टक्कर देने के बराबर है। और यहाँ पर आई थिंक जुडायकोपी ने अच्छा गेम प्ले करना है। अगर जुडायकोपी ने इस वाले टूर्नामेंट में अपना एक कैंपिंग का ना बोलो कैंप, आप कैंपिंग कर सकते हो। सबसे पहले जस्ट धवन ने यहाँ पर टेक डाउन किया है, जस्ट धवन ने यहाँ पर टेक डाउन किया है अपने ही क्लैन के लीडर को, एफए को यहाँ पर टेक डाउन किया है। क्या ही खूबसूरत टेक डाउन किया है जस्ट धवन ने, यहाँ पर एफए को टेक डाउन किया, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए। और यहाँ पर जस्ट धवन के हिस्से में पहला किल आ चुका है, यहाँ पर एफए को टेक डाउन करने के बाद।
ओवरऑल प्लेयर की बात करूँ, यहाँ पर जितने भी प्लेयर हैं, सबसे अच्छे खेलने वाले प्लेयर जितने भी हैं उनकी बात करूँ, यहाँ पर एफ ए डाउन हो चुके हैं, एवल लीडर डाउन हो चुके हैं, और यहाँ पर जो कि 007 दानियाल डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर मुल्तानी 0 किल के साथ, अभी फिलहाल C7 हसन का भी 1 किला, क्या ही बात है, और इसके साथ ही जस्ट द वन का 1 ही किला, बाकी प्लेयर अभी लूट करने में मगन है। लेट्स सी देखते क्या होता है। मिडस्टेन के अंदर C7 हसन यहाँ पर 1 किल के साथ बहुत ही खूबसूरत खेलते हुए, ओवरऑल व्यू की बात करूँ तो यहाँ पर AK अबू जर भी आ चुके हैं, यहाँ पर टीम 27 CHE के प्लेयर भी आ चुके हैं। आई थिंक सो ये अबू जर नीचे हैं और यहाँ पर टीम नंबर 27 बोट फायर देते हुए कि पोजीशन को रिवील करने की कोशिश करें। अबू जर की बात करूँ, यहाँ पर अबू जर ने थोड़ा सा होल्ड करके खेलना होगा क्योंकि नीचे एक न्यू प्लेयर हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर C7 हसन की बात करूँ, C7 हसन ने बिल्कुल ही एक टेक्निक के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ पर 3-स्टोरी बिल्डिंग में, आई थिंक सो बड़ी वाली बिल्डिंग, इसको क्या कौन सी वाली बिल्डिंग बोलते हैं, ये 3-स्टोरी, यहाँ 3-स्टोरी वाली बिल्डिंग में थोड़ा सा होल्ड करके खेल रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर मुल्तानी आते हुए, मुबीन भी उसके बिल्कुल पीछे हैं, और यहाँ पर DW हसन को टेक डाउन कर दिया गया है। DW हसन यहाँ पर टेक डाउन हो चुके हैं। जारी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, एम सभी ने जारी को यहाँ पर टेक डाउन किया है। अभी भी 3 प्लेयर बाकी हैं जिन्होंने अभी जाकर मतलब कि टॉप 10 के लिए ही फाइट लेनी है, बट यहाँ पर इजी है, इस तरह से किल निकालना बहुत इजी है। यहाँ पर मुल्तानी ओपन में है, आई थिंक सो मुल्तानी यहाँ पर ओपन में कवर लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर शायद हो सकता है कि यहाँ पर फाइट हमें देखने को मिल सकती है मुल्तानी और यहाँ पर मुबीन की जानब से। मुबीन क्लोज होते हुए आई थिंक सो यहाँ पर मुल्तानी को साउंड अगर आ जाए तो यहाँ पर मुल्तानी वर्सेज यहाँ पर 007 मुबीन की यहाँ पर फाइट देखने को हमें मिल सकती है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। आई थिंक सो यहाँ पर अगर यहाँ पर नेड किया जाए तो क्या ही बात है, अगर मुल्तानी यहाँ पर नेड कर देता है तो यहाँ पर किल निकाल सकता है मुल्तानी। यहाँ पर C7 हसन और यहाँ पर जॉन विक की फाइट चल रही है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत नेड किया गया, मुल्तानी क्या यहाँ पर टेकडाउन हो पाएंगे, लेट्स सी देखते हैं। आई थिंक सो मुल्तानी को डैमेज मिला। यहाँ पर मुबीन आगे की तरफ यहाँ पर रश करते हुए मुल्तानी यहाँ पर जिगल देने के बाद मुल्तानी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खेलते हुए OP मुल्तानी ने आज एक और किल निकाला जो कि बहुत ही अच्छी बात है। C7 हसन की बात करूँ, C7 हसन का मुकाबला होने वाला है जॉन विक के साथ। जॉन विक यहाँ पर ऊपर कैसे, ये ऊपर कैसे आया है जॉन विक ऊपर, ओके यहाँ से ऊपर आया जॉन विक वर्सेस यहाँ पर। लेट्स सी देखते क्या होते हैं। हाइट का थोड़ा सा फायदा है जॉन विक को, और C7 हसन यहाँ पर आई थिंक वो नेड कराते तो क्या ही बात है, अगर यहाँ पर नेड हो जाए तो यहाँ पर किल निकल सकता है C7 हसन का, और यहाँ पर अबू जर को टेक डाउन किया फ्रिज ने। OP गेम प्ले, जी बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले अबू जर की जाने, थोड़ी सी HP उसकी रह चुकी थी, अगर यहाँ पर एक और बुलेट लग जाती तो यहाँ पर उसको टेक डाउन कर सकते हैं। C7 हसन वर्सेस जॉन विक, लेट्स सी देखते क्या होता है। हसन के ऊपर यहाँ पर मोल्टो किया गया, क्या हसन यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, हसन की तरफ से खूबसूरत सर्वाइवल यहाँ पर देखने को हमें मिला। आई थिंक सो हसन की बात करूँ तो हसन दोनों तरफ से सैंडविच हो चुके हैं, एक तो हमारे पास जॉन विक है और दूसरी साइड पे हमारे पास है CHE की प्लेयर। लेट्स सी देखते क्या होता है। जॉन विक की बात करूँ तो जॉन विक बिल्कुल ही संभल के खेल रहे हैं, क्योंकि जॉन विक यहाँ पर आई थिंक सो जानते हैं कि हसन के 2 खेल हैं, सारे प्लेयर जोन के अंदर हैं। जस्ट फरहाद लंपर यार्ड को लूटते हुए, उसके साथ ही यहाँ पर हमें जो कि मुल्तानी है वो थोड़ा सा दूर है जस्ट दवन से, जस्ट दवन का मुकाबला होने वाला मुल्तानी के साथ। जॉन विक यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक सो जॉन विक यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हसन के ऊपर, आई थिंक सो जॉन विक को अब पता चल चुका है कि यार ऊपर हसन है। दोनों प्लेयर एक खूबसूरत व्यू देते हुए, लेट्स सी देखते हैं कौन यहाँ पर किसको किल करता है। जॉन विक आगे की तरफ आते हुए, हसन के पास हील नहीं है, बट क्या हसन को यहाँ पर M762 बचा पाएगा या नहीं, लेट्स सी देखते क्या होता है। जॉन विक वर्सेस C7 हसन वर्सेस जॉन विक, दोनों ही प्लेयर बहुत ही खूबसूरत खेलने वाले हैं, बट फर्क पुश करते हुए हसन, आई थिंक सो हसन की हील नहीं है, हसन वर्सेस जॉन विक, हसन को दोनों साइडों से पढ़ने का, हसन को यहां पर मार दिया गया है। जॉन विक क्या अब सामने वाले लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। हसन के पास हील नहीं थी जिसकी वजह से हसन को दोनों तरफ से पड़ गई, और हसन के लिए बैड लक।
जस्ट द वन आई थिंक सो जस्ट द वन आज किल निकालने के चक्कर में, और जुटाया कॉपी ने क्रिमिनल को यहाँ पर टेक डाउन किया है, और यहाँ पर आई थिंक सो जस्ट द वन यहाँ पर ड्रॉप लूटने की कोशिश करें। अगर ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप के आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पर मुल्तानी भी आ चुके हैं, यहाँ पर मुल्तानी भी ड्रॉप के आसपास आ चुके हैं। मुल्तानी वर्सेस जस्ट द वन का मुकाबला होने वाला है, मुल्तानी बिल्कुल ही सामने है और जस्ट द वन उसके बिल्कुल करीब में है। जस्ट द वन को बिल्कुल ही नहीं पता कि मुल्तानी भी यहाँ पर आ चुके हैं ड्रॉप को लूटने के चक्करों में। अगर जिन प्लेयरों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो दो मैच और भी बाकी हैं, थोड़े से टीडीएम खेलो, जिनकी प्रैक्टिस नहीं, मुल्तानी यहाँ पर जस्ट द वन को सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेट्स सी, देखते क्या होता है। ड्रॉप के ऊपर कैंपिंग की जा रही है, जॉन विक जस्ट द वन को यहाँ पर सपोर्ट कर लिया गया है। आई थिंक सो जस्ट द वन थोड़ा सा होल्ड करके खेलेंगे और यहाँ पर मुल्तानी को टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पर मुल्तानी फ्लैंक करते हुए, जस्ट द वन के ऊपर मुल्तानी यहाँ पर फ्लैंक करते हुए, जस्ट द वन की जाने से बहुत ही खूबसूरत नेट, बट मुल्तानी यहाँ से कोसों दूर जा चुके हैं। जस्ट द वन थोड़े से डरे हुए हैं, उनको पता चल चुका है यहाँ पे मुल्तानी आ चुका है। मुल्तानी वर्सेस जस्ट द वन, मुल्तानी पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो फाइट नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं उन्होंने फाइट नहीं लेना, सारे जितने भी प्लेयर बाकी हैं वो टॉप 10 में आ चुके हैं, अब उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किल निकाले। और यहाँ पर जॉन विक भी आते हुए और तीन प्लेयर एक ही जगह पर मौजूद हैं। जॉन विक ने मिडसेल को छोड़ दिया है, जॉन विक ड्रॉप लूटना चाहते हैं, जस्ट द वन का मुकाबला होने वाला है जॉन विक के साथ। और यहाँ पर जस्ट द वन, जॉन विक क्या जस्ट द वन यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे? जॉन विक आई थिंक सो अब स्पॉट कर चुके हैं जस्ट द वन को, आई थिंक सो यहाँ पर अगर जस्ट द वन वर्सेस जॉन विक, और यहाँ पर जस्ट द वन ओपन में जो रश करते हुए, लेट्स सी जस्ट द वन डाउन हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खेलने वाले प्लेयर हैं। अब यहाँ पर मुल्तानी को पता चल चुका है फाइट हो रही है, तो वो आगे की तरफ मूव ऑन नहीं करेंगे। एम सभी भी आगे की तरफ मूव ऑन करते हुए, एम सभी की बात करूँ तो एम सभी दो किल के साथ हमारे इस टूर्नामेंट में अपनी जगह को बरकरार रखते हुए। जॉन विक की बात करूँ तो जॉन विक का आई थिंक सो पहला किल है जो कि आज के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर रहे हैं अपने टॉप 10 के लिए। और यहाँ पर टीम नंबर 27 का जो प्लेयर है ये भी न्यू प्लेयर है, और मुल्तानी दो किल के साथ है। मुल्तानी इस टूर्नामेंट में अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए कोशिश करते हुए, मुल्तानी को पता चल चुका है सामने अब प्लेयर है जो कि ड्रॉप की तरफ हो सकता है। तो टीम नंबर 27 का प्लेयर आई थिंक सो होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड करके खेल रहा है, उसने अभी किल निकालने हैं, दो किल निकालने हैं और भी किल निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मुल्तानी कैंपिंग करते हुए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैंपिंग करते हुए, डॉक्टर अरसलान की बात करूँ तो चार किल के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पर अगर जस्ट द वन की बात करूँ, डॉक्टर अरसलान की बात करूँ, ये अभी दूसरे नंबर पे है, मतलब इनकी गेम प्ले जो बराबर की चल रही थी, बट जस्ट द वन यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। आई थिंक सो जस्ट द वन ने कोई किल नहीं निकाला, जस्ट द वन एक किल निकाला है, जस्ट द वन ने एक किल निकाला है और डॉक्टर अरसलान का जीरो किल है। अब जस्ट द वन यही दुआ कर रहा होगा कि डॉक्टर अरसलान का कोई किल ना निकले, अगर जस्ट डॉक्टर अरसलान का कोई दो या तीन किल निकले तो लीड कर जाएगा जस्ट द वन को। आज हम बात करें जुटाई कॉपी की, जुटाई कॉपी आई थिंक सो बहुत ही खूबसूरत खेलने वाले लड़के हैं। जुटाई कॉपी ने आगे थोड़ा सा मूव ऑन करना है। फरहाद की बात करूँ तो फरहाद का मुकाबला होने वाला है, जस्ट फरहाद का मुकाबला होने वाला है जुटाई कॉपी के साथ। जुटाई कॉपी ड्रॉप की तरफ मूव ऑन करते हुए एक किल है जुटाई कॉपी का। जुटाई कॉपी की बात करूँ तो तीन किल के साथ ऑलरेडी ये खेल रहे हैं, आज एक किल कर लिया लड़के ने। यहाँ पर क्रिमिनल को, जॉन विक यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, एम सभी ने डाउन किया है जॉन विक को, बहुत ही खूबसूरत किल निकाला है यहाँ पर एम सभी ने। और यहाँ पर तीन प्लेयर आ चुके हैं एक ही जगह के ऊपर, जस्ट फरहाद और साथ ही यहाँ पर जुटाई कॉपी। क्या जस्ट फरहाद यहाँ पर जुटाई कॉपी को टेक डाउन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेट्स सी, देखते क्या होता है। जितने भी प्लेयर बाकी रह चुके हैं वो सारे के सारे क्वालिफाई कर चुके हैं टॉप 10 के लिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कि दो प्लेयर हैं बहुत ही अच्छा खेलने वाले हैं, फरहाद भी बहुत ही अच्छा खेल रहा है। और फरहाद को स्पॉट करने के बाद यहाँ पर बेड ने यहाँ पर टेक डाउन किया है फरहाद को, बहुत ही दूर से स्प्रे दिया, बहुत ही खतरनाक। यहाँ पर जुटाए वर्सेस
बेट की यहाँ पर हमें फाइट देखने को मिल सकती है. लेट्स जी देखते क्या होता है. आई थिंक जुटाई गोपी होल्ड कर रहे हैं कि किल निकालो किल निकालो, बट जहाँ से किल निकलेंगे वो एरिया अभी थोड़ा सा दूर है. जुटाई गोपी फ्लैंक करने की कोशिश करें. मुल्तानी की बात करूँ तो मुल्तानी ने बिल्कुल कैंप किया हुआ है, बिल्कुल ही सर्वाइवल पोजिशन में है, और इसके पास AWM है जो कि बहुत ही बेनिफिट हो सकता है मुल्तानी के पास. एक किल के साथ खेल रहे हैं मुल्तानी बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए. और यहाँ पर अगर मिडस्टन की बात करूँ तो मिडस्टन में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कैंप किया हुआ. अभी सारे के सारे प्लेयर आउट ऑफ द जोन है जिन्होंने अभी जोन में आना बाकी है. और मिडस्टन की बात करूँ, मिडस्टन जो कि एक हॉट ड्रॉप होता है, लेकिन आज यहाँ पर मिडस्टन के अंदर कोई भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा. सारे के सारे प्लेयर जोन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर एम सब्बी का मुकाबला होने जा रहा है यहाँ पर टीम नंबर 27 के प्लेयर के साथ. लेट्स सी देखते क्या होता है. एम सभी की बात को एम सभी यहाँ पर दो किल के साथ खेलते हुए बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए. एम सभी भी इस वाले मैच में बहुत अच्छा खासा एक परफॉर्म करके दिखा रहे हैं जो कि ऑलरेडी दो किल के साथ ये खेल रहे हैं. तो टोटल आज मिला के इसकी जो किल है वो चार बन गए हैं. बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले जो कि चार किल जस्ट द वन और जस्ट द वन और इसके साथ डॉक्टर अरसलान चार चार किल के साथ खेल रहे हैं. क्या अरसलान यहाँ पर अपनी जो पोजिशन है उसको बरकरार रख पाएंगे, क्या और ज़्यादा निकाल पाएंगे, क्या यहाँ पर एम सभी को उसके साथ ही जस्ट धवन को क्या क्रॉस कर पाएंगे. लेट्स सी देखते क्या होता है. अभी सर्कल ने और भी क्लोज होना बाकी है और अगर सर्कल की बात करूँ तो बिल्कुल ही ओपन एरिया में सर्कल जाके बन रहा है. लेट्स सी देखते क्या होता है. और जुटाइक ओपी यहाँ पर आउट ऑफ द जोन है, कैंपिंग करके खेल रहे हैं जितने भी लड़के हैं उन्होंने अभी किल निकाले. तो आई थिंक सो यहाँ पर मुल्तानी की बात करूँ तो मुल्तानी ने भी इस वाले टूर्नामेंट में किस तरह से खेलना है अब मुल्तानी को पता चल चुका है. लेट्स सी देखते क्या होता है. मुल्तानी अब कोशिश करेंगे भाई किल निकालूं, एक किल ऑलरेडी निकाल चुके हैं. और यहाँ पर एम सभी को डाउन किया गया है ब्रिज की जाने से बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए, जिसने C7 हसन को भी टेक डाउन किया है. जितने भी प्लेयरों की अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई मसला नहीं है, आपके पास दो और रूम है जिसमें आप अच्छे तरीके से खेल सकते हो, अच्छे तरीके से किल निकाल सकते हो. तो आप लोगों ने अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना. लेट्स सी देखते क्या होता है. आई थिंक सो मुल्तानी जोन में है फिर भी ये गाड़ी पे बैठ के आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे तो ये गलती मुल्तानी के लिए थोड़ा सा सूटमंद साबित नहीं होगा. बट मुल्तानी कोशिश करेंगे कैंपिंग करें. तो आई थिंक सो मुल्तानी ने बहुत अच्छा फैसला किया कि गाड़ी को ना यूज़ किया जाए इस वाले छोटे सर्कल में. उसके साथ यहाँ पर हमारे साथ तीन नंबर का प्लेयर आगे तक मूव ऑन करते हैं. क्या यहाँ पर मुल्तानी उसको टेक डाउन कर पाएंगे, नहीं वो बिल्कुल सेफ हो चुके हैं. जुटाइक ओपी यहाँ पर ऊपर से आ चुके हैं. आई थिंक सो जुटाइक ओपी की बात करूँ तो यहाँ पर टावर पकड़ने की कोशिश की जा रही है जुटाइक ओपी की जानब से. जुटाइक ओपी यहाँ पर स्प्रे देंगे, ज़रूर स्प्रे देंगे अगर यहाँ पर मुल्तानी को सपोर्ट कर पाएंगे तो. इस लड़के की स्प्रे की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत स्प्रे होगा इसकी DP की जानब से. यहाँ पर सर्कल बिल्कुल ही श्रिंक हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर अरसलान यहाँ पर आउट ऑफ द जोन है. डॉक्टर अरसलान को यहाँ पर जून का बहुत बड़ा कम जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान मिलने वाला है अगर ये जून में चले जाते तो ठीक, वरना यहाँ पर उनको टेक डाउन मतलब जून भी टेक डाउन कर देगा. लेट्स सी देते क्या होता है. यहाँ पर अगर हील की बात करो डॉक्टर अरसलान की बहुत ही कम है 50% और सामने मुल्तानी है. अब अगर इस डॉक्टर अरसलान की जगह पर मैं होता तो सबसे पहले हील करता उसके बाद मैं आगे की तरफ मूव ऑन करता. लेट्स सी देते क्या होता है. पांच प्लेयर बाकी रह चुके हैं. यहाँ पर हमारे पास है मुल्तानी, उसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास है डॉक्टर अरसलान, जुटाइक ओपी, एक और प्लेयर भी हमारे पास एक और होना चाहिए था हमारे पास. और यहाँ पर मुल्तानी ने डॉक्टर अरसलान को टेक डाउन किया. बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले किया जा रहा है मुल्तानी की जानब से. दो किल निकाले हैं मुल्तानी ने. बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले यहाँ पर मुल्तानी की जानब से, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए मुल्तानी आज बिल्कुल फॉर्म में है. मुल्तानी आज किल निकाल रहे हैं. मुल्तानी कल के बदले आज मुल्तानी को यहाँ पर टीम नंबर 27 के प्लेयर ने यहाँ पर गाड़ी के नीचे रौंद दिया और यहाँ पर मुल्तानी को वापस लॉबी में भेज दिया. लेट्स सी जुटाइक का मुकाबला यहाँ पर होगा टीम नंबर 27 के प्लेयर के साथ. क्या ये जून में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं जुटाइक. लेट्स सी देखते क्या होता है. जून में अभी इसको जाना बाकी है. जाते हुए अब आउट ऑफ द जोन जाते हुए डैमेज मिल रहा है. लेट्स सी देखते क्या होता है. यहाँ पर आई थिंक सो इसका इस तरह से आउट ऑफ द जोन जाना बनता तो बिल्कुल ही नहीं है, बट यहाँ पर आउट ऑफ द जोन जाना अब इसके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है. ऊपर से जुटाइक ओपी और यहाँ पर इस प्लेयर की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए चार किल निकाले हैं. बहुत ही खूबसूरत आला गेम प्ले. अगर इस जोन की बात करूँ तो 36 सेकंड यहाँ पर बैड ने किल निकाले हैं. दो
बहुत ही खूबसूरत दो किल निकाले, एक किल निकाला है एफ ए को मारा, एक एक किल किया उसने, आई थिंक सो इसने तीन किल निकाले, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए। 51 के प्लेयर की बात कर रहा हूँ। जुटाइक ओपी की बात करूँ तो आई थिंक सो जुटाइक ओपी यहाँ पर हमारे जुटाइक ओपी दो किल के साथ खेल रहे हैं, सामने वाले प्लेयर को अभी जोन में आना बाकी है। क्रिमिनल गेमिंग कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे तो जुटाइक ने ग्रेनेड कर दिया, जी मैंने देखा था जुटाइक ने आपको ग्रेनेड कर दिया था। जुटाइक को वही एक ही खेल है, जुटाइक वर्सेस यहाँ पर टीम नंबर 51 का प्लेयर, क्या यहाँ पर उसको टेक डाउन कर पाएंगे, क्या जुटाइक यहाँ पर फिर से चिकन निकाल पाएंगे, क्या जुटाइक यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करता हुआ दिखाई देंगे, या तो आउट ऑफ, अगर जो आउट ऑफ द जोन की बात करूँ तो ये आउट ऑफ द जोन है, आई थिंक सो मुश्किल है इसका चिकन निकालना और यहाँ पर ये मुश्किल है इसका बचना, ये आउट ऑफ द जोन है और मुश्किल है इसका यहाँ से सर्वाइव करना, क्योंकि जोन बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा है। और ये आई थिंक सो ये मैच जुटैक के हिस्से में आ चुका है और यहाँ पर विनर जो है वो जुटैक है। जी जी, क्या गेम प्ले किया जुटैक ने, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले किया, बट एक किल के साथ यहाँ पर जुटैक खेलते हुए, जुटैक एक किल के साथ चिकन डिनर। तो सबसे पहले अगर बात करूँ जिन लोगों ने अच्छा खेला वो जुटाइक ओपी हैं, बैड ने तीन किल निकाले हैं, ब्रिज ने चार किल निकाले हैं, मुल्तानी ने दो किल निकाले, रेट्रोसलान जीरो किल के साथ, एम सभी ने बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले किया है। और यहाँ पर फराद की बात करूँ तो जीरो किल के साथ है, जॉन विक की बात करूँ तो एक किल के साथ है, जस द वन ने अपनी पोजिशन बरकरार रखते हुए एक किल निकाला जो इसके हिस्से में अकाउंट किया जाएगा। यहाँ पर सी सेवन हसन की बात करूँ तो यहाँ पर टॉप टेन में नहीं आए, तो आई थिंक सो टॉप टेन में नहीं है तो इसका किल अकाउंट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कस्टम रूम की जानिब, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले जुटाइक ओपी की जानिब से। ओके बॉयज, नेक्स्ट कस्टम रूम है, जल्दी से आके ज्वाइन कर लो विद आउट एनी टाइम वेस्टिंग के। 1-1-2-2-3-3 ओके बॉयस, रूम बन गया, जल्दी से आके ज्वाइन कर लो। बहुत मज़ा आया, बस नेटवर्क का मसला आ गया था, इट्स ओके, गुड गेम, बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने यार, जल्दी से आकर ज्वाइन कर लो बॉयस। मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, 9:20 के ऊपर मैं स्टार्ट कर दूँगा, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा। मुल्तानी ने बहुत ही प्यारी गेम प्ले की है। अच्छा, जो कल हमारे पास जो विनर हैं, जिन्होंने कल अच्छा खेला है, उनके एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, वो हमारे पास है यार, ये मेरे एमुलेटर इज़ नॉट अलाउड, सॉरी। तो यहाँ पर हीरो गेम और वाइटी हैं 7 किल के साथ, जस्ट द वन है 4 किल के साथ, डॉक्टर असलान 4 किल के साथ, जस्ट फरहाद 3 किल के साथ, जुटाइक ओपी 1-3 किल के साथ हैं, DW हसन जो है 3 किल के साथ हैं, जस्ट एफ ए खान की बात करूँ 2 किल के साथ हैं, मुल्तानी 2 किल के साथ हैं, एम सभी 2 किल के साथ, वैस 2 किल के साथ हैं, C7 हसन 2 किल के साथ हैं, लेजेंड बॉय 2 किल के साथ, नूब 4 1 किल के साथ, एहसन 1 किल के साथ, बूजान 1 किल के साथ। ओवरऑल ये जितने भी प्लेयर हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, ये कल के जो प्लेयर हैं जिन्होंने कल खेला था, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उनकी बात हो रही है, जो कि लीडिंग में जा रहे हैं, जो कि सबसे आगे जा रहे हैं। तो अभी जो हमारे जितने भी प्लेयर हैं अच्छे खेलने वाले, उनका जो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इनकी जितनी भी रिजल्ट होगा वो इंशाल्लाह मैं सुबह लेकर आऊँगा। बट आज की गेम प्ले में जुटाइक ओपी ने फिर से एक चिकन निकाला, बहुत ही खूबसूरत। बॉयस, क्या चिकन का मुझे एक पॉइंट और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जल्दी से बताओ, क्या मुझे चिकन पे एक पॉइंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जल्दी से बताओ, जो चिकन करेगा उसको एक पॉइंट मुझे इजाफी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मतलब एक किल हो अगर उसने चिकन निकाला हो तो क्या मैं उसको एक और पॉइंट देकर उसके 2 किल अकाउंट कर लूँ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ हाँ या ना, क्या मुझे उसको एक और पॉइंट देना चाहिए अगर उसने चिकन निकाला है, क्या मैं उसको एक पॉइंट और दूं, आप लोगों में से भी हो सकता है जिसने एक किल किया हो। जॉन विक, हेलो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम, CM जॉन विक, हेलो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम।
मैसेज कर रहा हूँ बट ये मैसेज रीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो चिकन निकालेगा उसको मैं किल ओनली, किंग गेमिंग कह रहे हैं किल ओनली, जो चिकन निकालेगा मुझे मुझे लगता है जो किल निकाले जो चिकन निकाले देना चाहिए, एफ ए खान कह रहा है देना चाहिए, जो चिकन निकाले उसको मुझे एक मतलब कि देना चाहिए यार, मोबाइल बैटरी ख़त्म हो रही है बिकॉज मुझे अभी एमुलेटर पे खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो। सॉरी ब्रो, नहीं एम सभी भाई सॉरी, मैं उसके लिए बिल्कुल ही नहीं खिला पाऊँगा आप लोगों को, पहले ही बता रहा हूँ। अपनी चार्जिंग पे लगाओ, आप चार्जिंग पे ही लगा कर खेल सकती हो, एमुलेटर कोई अलाउ नहीं, क्योंकि मैं एमुलेटर के लड़कों को ना ऑलरेडी किक कर चुका हूँ। आमिर खुर्शीद कह रहे हैं भाई रूम आईडी, रूम आईडी मैं एक मिनट इस वाले को मैं अनपिन कर दूँ, थैंक यू, रिमूव कर देता हूँ, जस्ट वन सेकेंड, रूम आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, जस्ट वन सेकेंड, आईडी है इसकी 10 87 720, पास है इसका 112233। तो बॉयस आपके पास आ चुका, अगर एमुलेटर अलाउ है तो मैं भी आता हूँ एमुलेटर पर, एमुलेटर कोई अलाउ नहीं है पहले ही बता रहा हूँ, एमुलेटर इज़ नॉट अलाउ, एमुलेटर को हमको इजाज़त नहीं देंगे एमुलेटर वालों को, तो एमुलेटर वाले लड़के नहीं आएंगे, एमुलेटर के लड़के नहीं आएंगे पहले ही बता रहा हूँ। ओके सी सेवन को मैसेज कर दो कम ब्रो। ओके बॉयज इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, चार मिनट के अंदर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, जितने जिन्होंने भी अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो यार, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक कर दो स्ट्रीम को। अच्छा और रूम होगा जी, एक और रूम हमारा, एक और रूम होगा, एक और होगा, आज का पहला हमारा रूम हो चुका है, एक और हमारा एक रूम होगा। एफ ए खान कह रहा है मैं नहीं आ रहा, वाई ब्रो वाई वाई, आप क्यों नहीं आ रहे, वजह बॉयस चार मिनट के बाद स्टार्ट करने लगा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ चार मिनट के बाद स्टार्ट करने लगा हूँ, टैग ओपी ब्रो कम ब्रो, लोगों को मैसेज करना पड़ता है यार, आ जाओ। ब्रो ऐड करो, मैं स्ट्रीम देख रहा था इसलिए एग्जिट हो गया। यार जितने भी लड़के बैठे हुए ना प्लीज़ एक दफ़ा अगर आ जाओ ना रूम में, दोबारा लीव मत किया करो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं स्टार्ट कर देता हूँ फिर आप लोग कहते हो यार मैं स्ट्रीम देख रहा था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, तो प्लीज़ यार प्लीज़ 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 आप लोग लीव मत करो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है, मैं स्टार्ट कर दूंगा, हमारे पास तीन मिनट है, तीन मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। एक दफ़ा आल पे फेंक के देता हूँ, आल ये आल पे जो लोग आते हैं ना ये डेली नहीं आते, ये आप लोगों के लिए किल होते हैं, मतलब कि ये जो आल पे लोग आ जाते हैं ये आप लोगों के किल होते हैं। जारी हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम, हेलो कैसी हो आप, ये जो आल पे मैं एक दफ़ा फेंकता हूँ ना ताकि आल पे लोग आए तो उस बता रहा हूँ, जो आल पे लोग आते हैं ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ वो होते हैं जो कि आप लोगों के किल होते हैं, जो आपके लोग आप लोगों के हाथों से किल होते हैं, ये फ्री के किल होते हैं, ये डेली नहीं आते, तो इनका इंजॉय किया करो, मतलब कि ना जारी जारी जी जी मैंने आपका नाम देख लिया है, जुटाई कॉपी को मैं इन्वाइट करता हूँ। ओके सिंपल रूल है, टॉप टेन के लिए आप लोगों ने फाइट लेनी है और आप लोगों ने किल निकालने हैं और जिसके सबसे ज़्यादा किल होंगे वही विनर होगा। 700 यूसी का गिव अवे जा रहा है यहाँ पर, लेकिन जो कि हमारा 7 डे का ये कस्टम रूम चल रहा है, मतलब 7 डे का एक टूर्नामेंट चल रहा है, लीग चल रहा है, तो आप लोगों ने इस वाले कस्टम रूम में सर्वाइव करना है, किल निकालने हैं, तो सिंपल सी बात है, आप लोग जितने ज़्यादा किल निकालोगे वो किल मैं अपने पास अकाउंट कर लूँगा, इंस्टा पे भी उसकी रिजल्ट मैं अपलोड कर देता हूँ, डेली की डेली ही मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ से आप अपने किल वगैरह अकाउंट करके रख सकते हो, तो जिसके सबसे ज़्यादा किल होंगे 7 डेज तक तो उसी को 700 यूसी का गिव अवे जाएगा।
ओके फरहाद को डॉक्टर असलान को मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। दो मिनट हैं, दो मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। यार जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना, प्लीज़ लाइक कर दो बॉयज। डॉक्टर असलान आ जाओ, उसके बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पर आईडी पास को पिन कर देना चाहिए, इस वाले को रिप्लेस पिन। डॉक्टर अरसलान बॉय जल्दी से आ जाओ, ब्रो ब्रो जल्दी से आ जाए। C7 हसन क्यों नहीं आ रहे, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, बट ये लड़का आ क्यों नहीं रहा। यार फ्री के यूसी मिल रहे हैं, आप लोगों ने अच्छा खेलना है। मतलब कि पबजी तो वैसे खेलते रहते हो, कस्टम रूम में आकर अच्छा खेलो, आपको 700 यूसी मिल रहे हैं। बट इन लोगों ने यूसी वाला कस्टम रूम जहाँ पर आपके लोगों के स्किल शो होते हैं वहाँ पर खेलना नहीं, अपनी जाके ही गेम करनी पड़ती है और हर किसी को बुलाना पड़ता है। बुआ जल्दी से आ जाओ यार, मैं गेम स्टार्ट करने लगा हूँ। बता दो यार, और स्ट्रीम कल इंशाल्लाह होंगे, कल इंशाल्लाह स्ट्रीम और हो कल कल वाले जो 3 मैच हैं वो रोज़ाना होंगे, मतलब 7 दिन तक तो हमारी स्ट्रीम लाजमी होती रहेगी इंशाल्लाह। वेयर इज द डॉक्टर असलान, बाकी हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। यार बुलाना पड़ता है लड़कों को, मतलब जो खेल रहे हैं। मैं जॉन विक में स्टार्ट कर रहा हूँ, वेट ब्रो 1 मिनट, सब्र करो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अबू जर आ जाओ जल्दी से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्रो व्हेन यू विल शो द पॉइंट टेबल, इंशाल्लाह मैं कल कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, कल करूं या तो फिर परसों करूं, सोच रहा था 2 या 3 दिन के बाद पॉइंट टेबल मैं शो कर दूंगा। कर रहा हूं स्टार्ट, वन सेकंड कर रहा हूं स्टार्ट। Here we go. चलो स्टार्ट कर दिया, लेट्स गो, किसी का वेट नहीं करेंगे अब। पॉइंट टेबल में कब स्टार्ट करो जल्दी से बताओ, पॉइंट टेबल में कब कब मतलब शो कर दो, पॉइंट टेबल कल बना दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कल के पॉइंट टेबल है। जैसे आप कहो जल्दी से मुझे बताओ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों कितने किल जा रहे हैं। वैसे जो हमारे डे 1 में जो विनर हैं उनके मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, हीरो गेम और YT 7 किल के साथ हैं, जस्ट द वन 4 किल के साथ है, डॉक्टर अरसलान यहाँ पर 4 किल के साथ हैं, जस्ट फरा 3 किल के साथ हैं, जुटैक OP 3 किल के साथ हैं, DW हसन 3 किल के साथ हैं, जस्ट FA खान 2 किल के साथ हैं, मुल्तानी 2 किल के साथ हैं, M सभी यहाँ पर हमारे पास 2 किल के साथ हैं, OS 2 किल के साथ हैं, C7 हसन 2 किल के साथ हैं, लेजेंड बॉय 892 2 किल के साथ हैं, नूब 4 1 किल के साथ हैं, एहसन 1 किल के साथ हैं, अबूजन 1 किल के साथ हैं। तो मुल्तानी ने बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले किया है, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले किया है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑडियो को ना इसके सोने ऑडियो को यहाँ पर नहीं डाउन कर सकता, नहीं कर सकता ऑडियो डाउन। ओके प्लान पाथ की बात करूँ तो यहाँ पर ग्रूनस आ चुके हैं, गैस आ चुका है, मिडस्टैंड आ चुका है, लंबर यार्ड आ चुका है, शिप यार्ड, ये एरिया बिल्कुल सेफ है, पावर प्लांट, क्रेप ग्रास, ब्लूमस्टर, यहाँ पर हार्ड ड्रॉप होगा। हार्ड ड्रॉप होने की वजह क्या है, क्योंकि ये थोड़े से दूर है तो लोग कहेंगे सेफ है, तो ओवरऑल जितने भी प्लेयर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर असलम ब्लूमस्टर के लिए जाएंगे, और यहाँ पर आई थिंक सो हीरो गेमर वाइटी की बात करूँ वो यहाँ पर मिडस्टैंड में ही थोड़ा सा होल्ड करके खेलेंगे। जॉन विक भी आई थिंक सो मिडस्टैंड की तरफ जा रहे हैं, लेट्स सी देखते क्या होता है। आप स्ट्रीम स्नैपिंग कर सकते हो, स्ट्रीम देखकर अपनी स्ट्रेटजी वगैरह बना सकते हो, बट आप लोग टीम अप नहीं कर सकते, पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग
टीम अप नहीं कर सकते। हीरो गेम और वाइटी अबूजर यहाँ पर आ चुके हैं और साथ ही यहाँ पर जुटाइकोपी भी आ चुके हैं, प्लेयर लैंड कर चुके हैं जो कि बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं। एक जुटाइकोपी हो गया हमारा, एक अबूजर हो गया, तीसरा हमारा हीरो गेमर वाइटी हो गया। अगर यहाँ पर हीरो गेमर वाइटी ने सरवाइव कर लिया इन दोनों को मार के, तो यहाँ पर हीरो गेमर वाइटी की क्या ही बात होगी। बट जुटाइकोपी भी किसी से कम नहीं है, एक अबूजर की बात करूँ वो भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास जितने भी प्लेयर हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें, हम अपने ओवरऑल जितने भी प्लेयर हैं वो सारे के सारे अपनी लूट करने में मस्त है। यहाँ पर गब्बर यहाँ पर टेक डाउन किया है, बहुत ही खूबसूरत किल निकाला है, जस्ट फरहाद को टेक डाउन कर दिया है, जो कि जस्ट फरहाद का यहाँ पर एक अच्छा दिन आज के दिन नहीं जा रहा। यहाँ पर टेक डाउन हो चुके हैं जस्ट फरहाद। हीरो गेमर वाइटी, आई थिंक हीरो गेमर वाइटी की बात करूँ तो इस लड़के ने अब यहाँ पर मिडस्ट्रीम में थोड़ा सा होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद जुटाइक ओपी हो गया और उसके बाद यहाँ पर अबूजर हो गया। क्या यहाँ पर अबूजर को टेक डाउन कर पाएंगे? आई थिंक सो यहाँ पर नेड समझ से कोशिश करेंगे। जॉनविक वर्सेज यहाँ पर जॉनविक यहाँ पर टेक डाउन हो चुका है, जॉनविक यहाँ पर टेक डाउन हो चुका है। 007 डैनियल ने यहाँ पर जॉनविक को टेक डाउन किया, बहुत ही खूबसूरत। कि अबूजर उसके साथ ही जारी, लेट्स सी देते क्या होता है। हीरो गेमर वाइटी जारी और इसके साथ हमारे पास ट्रैक ओपी है, उसके साथ ही हमारे पास है यहाँ पर मेरे बफरिंग हो रही है, आई थिंक सो बफरिंग हो रही है क्या, स्ट्रीम की रिफ्रेश कर लेते हैं। बॉयज़ एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो, आपकी स्ट्रीम ठीक हो जाएगी। बफरिंग हो रही है थोड़ी सी, आप स्ट्रीम को थोड़ा सा आप वो कर लो, ठीक हो जाएगा। रिफ्रेश कर लो, आई थिंक सो ठीक हो जाएगा। स्ट्रीम को आप नहीं चल रहा, क्या कहते हैं, स्ट्रीम सही नहीं आ रही, तो प्लीज़ एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लो, आई थिंक सो चल जाएगा। स्ट्रीम को एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखो, चल जाएगा। एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लो, चल जाएगा, आई थिंक सो चल जाएगा। स्ट्रीम को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो, थोड़ा सा डिले आया, रिफ्रेश करके देख लो। जस्ट द वन को यहाँ पर टेक डाउन किया है जुटाइक ओपी ने, बहुत ही खूबसूरत किल निकाला है जुटाइक ओपी का, एक किल है। स्ट्रीम को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, आपकी स्ट्रीम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा डिले आया, नेट थोड़ा सा उसके सिग्नल डाउन हो गए थे, स्ट्रीम बिल्कुल ठीक हो गई। आप एक दफ़ा फिर से इसको रिफ्रेश कर लो, नेट ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर किल की बात करें तो एम सभी यहाँ पर आ चुके हैं, बेड नॉल आ चुके हैं, यहाँ पर एक अबूजर आ चुके हैं, एक अबूजर यहाँ पर दो किल के साथ हैं और यहाँ पर एम सभी आ चुके हैं। उसके साथ ही सी सेवन फैज़ान आ चुके हैं और साथ ही यहाँ पर एम सभी भी पहुँच चुके हैं, एम सभी यहाँ पर आ चुके हैं। बॉयज़ एक दफ़ा स्ट्रीम को रिफ्रेश कर लो, आपको स्ट्रीम फिर से ठीक मिल जाएगी। थोड़ा सा डिले हो गया, 30 सेकेंड का वक्फा आया था, आई थिंक सो नेट का कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमारे सिग्नल चले गए थे। तो आप एक दफ़ा स्ट्रीम को रिफ्रेश कर लो, एक दफ़ा स्ट्रीम को हटाओ फिर दोबारा लगाओ, ठीक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो कि अच्छे खेलने वाले प्लेयर हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर अभी। डॉक्टर असलान अभी बाकी हैं यहाँ पर हमारे पास, जो DW हसन भी हमारे पास बाकी हैं। और जुटाइक ओपी की बात करें, जुटाइक ओपी ने बिल्कुल कैंपिंग वाला माहौल बनाया हुआ है, थोड़ा सा होल्ड करके खेल रहे हैं। कैंपिंग कहना ठीक रहेगा या होल्ड करना ठीक रहेगा, वो आई थिंक सो होल्ड ठीक रहेगा। कैंपिंग ना वो लूप के लिए इस्तेमाल होता है, तो होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करके खेल रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें एके अबूजर की, तो एके अबूजर यहाँ पर किल निकालेंगे, आई थिंक सो एके अबूजर की बात करें, दो किल निकाले हैं इसने अभी। एम सभी भी ने भी आगे आना है, तो यहाँ पर जारी को टेक डाउन किया है, यहाँ पर एके अबूजर ने, यहाँ पर जुटाइक ओपी ने जस्ट द वन को टेक डाउन किया है। और अगर यहाँ पर जुटाइक ओपी की बात करें तो द वन बहुत ही खूबसूरत खेल रहे थे, बट पीछे से उसको स्प्रे पड़ा जिस तरह से, तो यहाँ पर जुटाइक ओपी ने एक बहुत ही खूबसूरत खेल निकाला अगेंस्ट जस्ट द वन के। जुटाइक ओपी अब हर कोई कैंपिंग करने लगा, आई थिंक सो कैंपिंग करके खेल रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड करके खेल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा सा अपने चिकन निकालने हैं। तो यहाँ पर एम सभी भी आ चुके हैं और साथ ही इसके साथ C7 फैज़ान आ चुके हैं। बाकी जितने प्लेयर हैं वो अभी जून में उन्होंने आना बाकी है, क्रिमिनल हो गया, अब इन लड़कों ने जून में आना है। एम सभी यहाँ पर ओपन में आते हुए, लेट्स सी देखते क्या होता है यहाँ पर एम सभी के साथ। बट एम सभी यहाँ पर यार स्ट्रैकिंग
क्यों है स्ट्रीम में, एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लो, एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लो, ठीक हो जाएगा, ये स्ट्रैकिंग ख़त्म हो जाएगी, नेट का इशू चल रहा था, आप लोग एक दफ़ा रिफ्रेश करके देख लो, सेट हो जाएगा स्ट्रीम, एक दफ़ा आप लोग रिफ्रेश करके देख लो, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एम सब भी आगे की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। जुटाएक ओपी ने पोजीशन चेंज किया और सी सेवन यहाँ पर ए के अबूज़र वर्सेस यहाँ पर एम सब भी ए के अबूज़र क्या यहाँ पर एम सब भी को यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश, अबूज़र ने यहाँ पर टेक डाउन किया है एम सभी को, बहुत ही खूबसूरत खेल निकाला है। जी नाइस गुड गेम। आज अबूज़र की बात करें, इसकी लड़की की बात करें, तीन खेल निकाले हैं बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए। और यहाँ पर सी सेवन हसन भी फैज़ान आ चुके हैं जुटैक ओपी के आस पास, यहाँ पर C7 फैज़ान आ चुके हैं, उसके साथ ही यहाँ पर आई थिंक सो इनकी फाइट देखने को मिल सकती है कि दोनों बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए। लेट्स सी देते क्या होता है। एके अबूज़र ने यहाँ पर स्प्रे दिया बेड को, यहाँ पर स्प्रे दिया, आई थिंक सो बेड यहाँ पर अगर बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पर C7 फैज़ान की बात करूँ, यहाँ पर आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, जुटाए गोपी के अगेंस्ट यहाँ पर जाएंगे। लेट्स सी देखते हैं C7 फैज़ान क्या सरवाइव कर, गाड़ी लेकर यहाँ जाना बहुत ही गलत साबित हुआ और यहाँ पर C7 फैज़ान टेक डाउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर जुटैक ओपी के दो किले सामने हैं, एके अबूज़र उसके साथ ही यहाँ पर बेड यहाँ पर आ चुके हैं। आई थिंक सो जुटैक ओपी का मुकाबला हो सकता है यहाँ पर अबूज़र के साथ। क्रिमिनल भी ऊपर से आ चुके हैं, लेट्स ही देखते क्या होता है। क्रिमिनल AWM के साथ यहाँ पर आ चुके हैं, अगर क्रिमिनल ने एक पटका दिया तो यहाँ पर एक ही निकाल सकता है, क्या यहाँ पर क्रिमिनल के निकाल, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर क्रिमिनल किल निकाला है, बहुत ही दूर से प्यारा एक शॉट दिया AWM के। और यहाँ पर जुटैक अकेले रह चुके हैं, आई थिंक सो जुटैक यहाँ पर अकेले रह चुके हैं मिर्चिंग के अंदर। एके अबूज़र यहाँ पर डाउन हो चुके हैं और उसके साथ ही यहाँ पर जुटैक आ चुके हैं। जुटैक गाड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या तो फिर यहाँ पर हील का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, आई थिंक सो अब लगता है क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल जुटैक से अपना बदला ज़रूर लेगा AWM के साथ। बट यहाँ पर जुटैक की बात करें तो वो पीछे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे की तरफ नहीं आएंगे। जुटैक यहाँ पर एक जुटैक आई थिंक सो तीन किल के साथ हैं, जुटैक बहुत ही खूबसूरत खेलते हुए यहाँ पर डॉक्टर अस्लान भी आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, जो क्रिमिनल का सामना करेंगे। अगर आप लोगों को स्ट्रीम में स्ट्रैकिंग नज़र आ रही है, स्ट्रीम बफरिंग कर रही है, तो प्लीज़ एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लो, स्ट्रीम ठीक हो जाएगी, एक दफ़ा रिस्टार्ट करके देख लो, ठीक हो जाएगी। ओके अरसलान को, डॉक्टर अरसलान को आगे की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। जुटैक भी जून के अंदर आने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ पर जुटैक क्रिमिनल को पकड़ पाएंगे या दोबारा, लेट्स सी देखते क्या होता है। आई थिंक सो इस जुटैक की बात करूँ, दो किल जिस तरह से ब्रिटिश में निकाले हैं होल्ड करके, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले किया इसने। और यहाँ पर क्रिमिनल वर्सेस जुटैक, क्या यहाँ पर क्रिमिनल यहाँ पर किल निकाल सकता है जुटैक ओपी का, लेट्स सी देखते क्या होता है। जुटैक ओपी वर्सेस क्रिमिनल, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने, दो ब्रोकन वॉल का, और यहाँ पर जुटैक ओपी आई थिंक यहाँ पर क्रिमिनल को सपोर्ट कर चुके हैं और इससे फाइट ले रहे हैं। और यहाँ पर जुटैक ओपी का बहुत ही खूबसूरत व्यू, और यहाँ पर आई थिंक सो नेड करेंगे, लो टॉस पे नेड किया, बट यहाँ पर क्रिमिनल यहाँ पर अपने आप को सेव करते हुए लो टॉस पे नेड करने की कोशिश, और यहाँ पर नेड ग्लिच हो गया, आई थिंक सो नेड ग्लिच हो गया। तो वो यहाँ पर क्रिमिनल का बहुत ही खूबसूरत नेड, क्या जुटैक ओपी को किल कर पाएंगे, बट यहाँ पर जुटैक ओपी को बहुत ज़्यादा डैमेज मिला है, क्या यहाँ पर क्रिमिनल अपना बदला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नेड किया गया, बट वो क्रिमिनल के साथ यहाँ क्रिमिनल को डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर असलान। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। जुटैक ओपी के ऊपर नेड बहुत ही खूबसूरत नेड किए जा रहे हैं क्रिमिनल की जानिब से, क्या यहाँ पर क्रिमिनल जुटैक ओपी को किल कर पाएंगे या नहीं, लेट्स सी देखते क्या होता है। डॉक्टर अरसलान भी आ चुका है यहाँ पर, जुटैक ओपी यहाँ पर बिल्कुल ही फंसे हुए हैं, आई थिंक सो मुझे नहीं लग रहा जिस तरह से क्रिमिनल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं यहाँ पर, नेडों की बरसात कर रहे हैं, कि जुटैक ओपी यहाँ पर सर्वाइव कर पाए, तो यहाँ पर बहुत ही एज है एक क्रिमिनल को। क्रिमिनल ने बहुत ही अच्छा कम बैक किया अपने आप को, नेड करा के बहुत जुटैक ओपी आई थिंक सो नेड कर रहे हैं, जुटैक ओपी नेड कर रहे हैं, जुटैक ओपी ने बहुत ही खूबसूरत नेड वो करने की कोशिश कर रहे हैं जुटैक ओपी, थोड़ा सा क्रिमिनल को, क्रिमिनल यहाँ पर क्या जुटैक ओपी के साथ टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये देखना भी बाकी है।
अगर अरसलान की बात करूँ तो अरसलान भी पीछे से आ चुका है, और यहाँ पर एक और प्लेयर भी हमारा होना चाहिए था जो कि है डीडब्ल्यू हसन। यहाँ पर अरसलान खुद को नेड खुद को यहाँ पर डैमेज किल किया है अरसलान ने, जो कि अरसलान का बहुत चल रहा है। क्रिमिनल वर्सेस जुटाइकोपी, क्रिमिनल वर्सेस जुटाइकोपी, क्या यहाँ पर क्रिमिनल क्रिमिनल और जुटाइकोपी के बीच में बहुत ही खूबसूरत फ्लैग का एक थोड़ा सा चल रहा है क्रिमिनल चाहता हूँ। यहाँ पर जुटाइकोपी ने क्रिमिनल को टेक डाउन किया, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले जुटाइकोपी की जानब से। इस लड़की की बात करो, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले किया, बहुत ही अच्छा खेला है जुटाइकोपी ने, और आई थिंक सो इसके हाथों से डॉक्टर अरसलान के हाथों से नेट ग्लिच हो गया। सिर्फ और सिर्फ दो प्लेयर बाकी है, एक डीडब्ल्यू हसन है, एक जुटाइकोपी है। जुटाइकोपी ने बहुत ही खूबसूरत गेम कर रहे हैं, जो कि जुटाइकोपी एक बहुत ही तरीके प्यारे तरीके से चिकन भी निकाल रहे हैं और यहाँ पर किल भी निकाल रहे हैं। जुटाइकोपी वर्सेज यहाँ पर डीडब्ल्यू हसन है, लेट्स सी देखते क्या होता है। जुटाइकोपी आगे की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, जुटाइकोपी यहाँ पर मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, क्या इस प्लेयर को स्पॉट करके किल निकाल पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेट्स सी देखते क्या होता है। आई थिंक जुटाइकोपी को अब पता चल चुका है कि यहाँ पर किस तरह से सर्वाइव करना है। एक प्लेयर बाकी रह चुका है जून के एच के ऊपर, वो आ सकता है। अगर जुटाइकोपी की बात करूँ तो इस लड़के ने तीन किल निकाले, अगर इस वाले मैच में किल निकालेगा तो भाई आज के दिन इस लड़के ने बहुत ही प्यारा खेला है। एक मैच और भी अभी बाकी है स्टिल, तो लेट्स सी देखते क्या होता है। जुटाइकोपी के टक्कर का जो प्लेयर है C7 हसन हो गया, हीरो गेमर वाइटी हो गया, जॉन विक हो गया, बाकी प्लेयर भी अच्छे खेलने वाले हैं, बट जुटाइकोपी का आज दिन चल रहा है, जुटाइकोपी का आज लक चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डीडब्ल्यू हसन की बात करें, यहाँ पर जुटाइकोपी की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, 25 सेकंड का फ़र्क है। उसके बाद यहाँ पर जुटाइकोपी यहाँ पर अपना किल निकाल पाएंगे, क्या डीडब्ल्यू हसन यहाँ पर चिकन निकालेगा। अगर डीडब्ल्यू हसन की बात करो तो 4 किल के साथ डीडब्ल्यू हसन यहाँ पर हमारे पास कितने किल के साथ खेल रहे हैं, जस्ट लेट मी चेक ऑन द टेबल। डीडब्ल्यू हसन 3 किल के साथ खेल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गेम जुटाइकोपी की जानब से। लेट्स सी देखते क्या होता है। अगर स्ट्रीम स्टकिंग हो रही है तो भाई एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगी, एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगी। लेट्स सी देखते क्या होता है। डीडब्ल्यू हसन वर्सेस जुटाइकोपी, यहाँ पर क्या यहाँ पर एक दूसरे के सामने अगेंस्ट एक दूसरे के सामने फाइट ले पाएंगे या नहीं पाएंगे। डीडब्ल्यू हसन को आके अजूर में आना है, यहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डैमेज मिला है डीडब्ल्यू हसन को। जुटाइकोपी आई थिंक पुश कर रहे हैं, जुटाइकोपी यहाँ पर पुश करते हुए, लेट सी देखते क्या होता है। क्या यहाँ पर जुटाएंगे इसको किल कर पाएंगे या नहीं किल कर पाएंगे, उस जुटाइकोपी को पता चल चुका है डैमेज है। जुटाइकोपी वर्सेस यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चिकन निकाला है लड़के ने, बहुत ही खूबसूरत चिकन निकाला है डीडब्ल्यू हसन ने, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर किल निकाला है। जुटाइक थोड़ा भी रहम नहीं करता, और यहाँ पर डीडब्ल्यू हसन ने क्या ही खूबसूरत चिकन निकाला है इस वाले मैच में, बहुत ही खूबसूरत किल निकाला है और यहाँ पर चिकन निकाला है हमारे प्यारे भाई डीडब्ल्यू हसन ने, बहुत ही ओपी गेम प्ले। ब्रो नेट का मसला है इधर, 11 की सही होता है यार, नेट मेरा भी इशू कर रहा है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आज नेट का मेरा भी प्रॉब्लम चल रहा है, आई थिंक सो पूरे पाकिस्तान में ही नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रीम मेरी ऑफ है, बट मेरी स्ट्रीम ऑफ नहीं है। मुझे लगा कि मेरा नेट का प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान में आई थिंक सो नेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़के कह रहे हैं नेट सही नहीं चल रहा था, नेट सही नहीं चल रहा। हीरो गेमर वाइटी कह रहे हैं नेट सही नहीं चल रहा था, उसके साथ ही लड़के मुझे कह रहे हैं आपकी स्ट्रीम ऑफ हो गई है, और उसके साथ आप भी कह रहे हैं कि यार यार एमएस इतनी आ रही है। आखिर में पिंग ने यार यही तो कह रहा हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कोई नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ नेट का इशू चल रहा है। हेलो फैजान, हेलो 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 बॉयज, हेलो हेलो। अच्छा चलो लास्ट रूम करते हैं और भाई कोई और एक और रूम, हाँ एक और रूम करते हैं, आ जाओ लास्ट रूम करते हैं बनाओ।
जी, एक लास्ट रूम बनाना है, लास्ट रूम बनाना है, आज का लास्ट रूम हमारा हमारा बाकी है, एक लास्ट रूम करते हैं यार, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। नेट का इशू है भाई। यार, नेट का इशू है, सबके साथ नेट का इशू है ब्रो। स्ट्रीम एंड कर दिए? नहीं करी ब्रो, स्ट्रीम को अपना रिफ्रेश कर लो, एक दफ़ा ठीक हो जाएगा। एक और मिलेगा नहीं और क्या, मैं बना रहा हूँ एक एक और और रूम है खेलेंगे। आज, आज एक और हमारा रूम अभी तक बाकी है, तो एक दफ़ा अपने स्ट्रीम को रिफ्रेश कर लो बॉयस। अरसलान, आपके आपके नेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है अरसलान? बहुत ज्यादा है यार। यार मेरा भी नेट का इशू चल रहा है, मेरी स्ट्रीम ना बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो स्ट्रीम को, ठीक हो जाएगी। जल्दी से आ जाओ, लास्ट में कस्टम रूम बनाने लगा हूँ, उसके बाद बॉयस जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ओके, कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर है। हेलो हसन, जी जुटैक भाई बोलो। हेलो जी आदारी, जी हेलो। जी आ गए यार, अगर आप लोगों को स्ट्रीम में डिले नज़र आना तो एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा। जी जुटैक भाई, नहीं, मैं तो स्ट्रीम देख नहीं रहा। जी, मैं बोल रहा हेलो, हूँ, मैं कह आवाज रहा आ हूँ। रही है? जी जी आ रही है। ओ भाई, आओ भाई, गलत। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मैं जो हमारी जो मतलब कि पॉइंट टेबल है, कल के दिन मैं शो करूँ पॉइंट टेबल, कौन कितने पॉइंट के साथ खेल रहे हैं, कितने किल के साथ खेल रहे हैं। सुबह को मैं पॉइंट टेबल बनाऊंगा, क्योंकि लड़के कह रहे हैं ना कि भाई पॉइंट टेबल मैं इंशाल्लाह सुबह को दिखाऊंगा, क्योंकि आज की खेल और कल के खेल को अकाउंट करके ना मैं आपको दिखा दूंगा कि सबसे पहले आते ही मैं आपको पॉइंट टेबल दिखाऊंगा कि कौन विन कर रहा है। जी, जुटाई अच्छा, वो जो आखिरी लड़का था, क्या नाम था डी उसका, डब्ल्यू हसन। उसको मेरी तरफ से रहा, ओपी बोलो, ओपी बोलो। हाँ वो सुन रहे हो या वो जुटे? हाँ बहुत ही प्यारा, मैं लेकिन आप आपने उसको डैमेज दिया, या डैमेज देने के बाद भी फिर वो आपको ले गया। नहीं, आपके वो मैं बताया पिंक का इशू चल रहा था। है ना, वो मैं हवा में, मैं धमकी में उधर ही लड़ गई हूँ, मैं पिंक पड़ चलो कोई नहीं, चलो गया। जी आज जी का हम मैं कस्टम रूम हवा में क्लियर लड़ गया करते हूँ, हैं, मैं ये जल्दी से आ जाओ क्यों बॉयज, जल्दी से आ जाओ कस्टम रूम कर, आज का जो हमारा पार्कोर कस्टम। जी मैच जी लगा रहे हो? जी 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 ये आज हमारा आखिरी जो कस्टम रूम है वो करा लूँ मैं, आ जाओ बॉयज। हमारे पास है यहाँ पर 1 1 2 2 3 3। ओके पहले इनको डिसेबल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सोलो इसको कर देते हैं। ओके बॉयज जल्दी से आ जाओ। बॉयज़ जल्दी से आ जाओ, फिर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास 20 प्लेयर कंप्लीट होते हैं मैं स्टार्ट कर दूँगा, 20 प्लेयर के ऊपर मैं स्टार्ट कर दूँगा, जल्दी से आ जाओ। जस्ट द वन किधर है लड़की, आ जाओ। जल्दी से आकर ज्वाइन कर लो बॉयज़, अगर स्ट्रीम में आपको कुछ डिले दिख रहा है या कुछ आपको बफरिंग हो रही है तो आप एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लो, मतलब अपना यूट्यूब कार्ड के दोबारा यूट्यूब लगाओ तो आपकी जो स्ट्रीम की बफरिंग हो गई वो ठीक हो जाएगी, फिर आपका बिल्कुल ही प्रॉपर चलता रहेगा। तो आप लोगों ने करना है क्या, सिर्फ़ और सिर्फ बफरिंग ठीक कर लेनी है। इवेंट में रूम नहीं लगता भाई, जल्दी से आ जाओ बॉयस, बॉयस जल्दी से आ जाओ, मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा। ओके 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 तो इस वाले हम 10 10 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा, यह हमारा लास्ट कस्टम रूम है तो मैं इसको 10 बजे स्टार्ट कर दूंगा, हमारा एक लास्ट कस्टम रूम है मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। रूम आईडी पास, रूम आईडी पास मैं 1 मिनट दे देता हूँ, वेट चैट के अंदर दे रहा हूँ, न्यू रूम आईडी पास है वो 8888 1 9
193 और पास है इसका 112233। तो बॉयज़ जल्दी से आकर ज्वाइन कर लो, मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। जल्दी से जो आकर ज्वाइन कर लो, इतने में मैं आता हूँ, 1 मिनट। आईडी पास आप लोगों के पास आ चुके हैं, आपके सबसे ऊपर ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बट मैं इसको यहाँ पर पिन कर रहा हूँ आईडी पास को। वेट, वॉइस आप लोगों के पास आईडी पास आ चुका है, जल्दी से आकर ज्वाइन कर लो। बाकी यार किधर है प्लेयर, वो फिर कहेंगे यार हमें ऐड नहीं किया आप लोगों ने। जारी हमारे वाले कस्टम रूम में या किसी और की? अच्छा किसी और जगह पर। इंशाल्लाह मैं सुबह को ना फिर आप लोगों को ना वो करके दूंगा, बेड एक्स बादशाह को रूम में ऐड कर लो भाई। आप उसको आईडी पास सेंड कर दो, वो आ जाएगा। उसको आप आईडी पास सेंड कर दो, वो आ जाएगा। क्या वो मेरे पास बेड बादशाह? ओके मैं ऐसे करता हूँ, उसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। वेयर इज़ द ईविल लीडर? ओके तो बेड बादशाह, वेयर इज़ द बेड बादशाह? इंटरनेट इंटरनेट क्या क्या कर रहा है मुल्तानी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो यार। बॉयस 20 लाख तो करा दो यार, 20 लाख कंप्लीट करवा दो। ओके बॉयज़ मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ, 3 मिनट के अंदर स्टार्ट करने वाला हूँ इस वाले कस्टम रूम को। 3 मिनट के अंदर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। मेरा नेट का नेट कहाँ कर? पता नहीं क्या कह रहे हो मुल्तानी, समझ से बाहर। आई डोंट नो क्या कह रहे हो आप। ओके बॉयज़ मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, बहुत जल्द स्टार्ट कर दूँ, ताकि आखिरी हमारा कस्टम रूम जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग जल्दी से आके ज्वाइन कर लो, जितने भी अभी नहीं आए हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। सिंपल से रूल है, मैं आपको पहले बता दूँ, आप लोगों ने टॉप 10 के लिए ही फाइट लेनी है, और आपने चिकन निकालना है। चिकन तो आप वैसे निकालो या ना निकालो, लेकिन आप अपने टॉप 10 में आना और किल निकालने हैं। तो एक दिन के हमारे कस्टम रूम ख़त्म हो चुके हैं, दूसरे दिन का आज आखिरी कस्टम रूम है। तो फिर आप लोगों को कल मैं पॉइंट टेबल शो करा दूँगा इंशाल्लाह। यार ये लड़की गेम में चले गए हैं, आई थिंक सो नहीं आना इन्होंने, मुझे नहीं लगता इन्होंने गेम में चले गए। मोबाइल फोन
यार जितने भी देख रहे हो ना प्लीज जल्दी से आ जाओ, मैं फिर इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। स्टॉक बंद है जी, बंद है। बॉयस आ जाओ जल्दी से आ जाओ यार, मैं स्टार्ट करने लगा। कहाँ पे नहीं यार। ओके, लड़के आ चुके हैं आई थिंक सो। मुझे अब एक दफ़ा आल पे फेंक दो। बॉयज़ 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। लेट्स गो बॉयस। ओके, आज का हमारा लास्ट कस्टमर रूम है, आज का हमारा आखिरी कस्टमर रूम है। हमारे ऑलरेडी दो हो चुके हैं और उसके साथ ये आज हमारा आखिरी है। तो आज के किल जो हैं वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको पहले ही बता रहा हूँ। उन स्क्रीनशॉट को मैं अपने इंस्टा पे शेयर करता रहता हूँ, इंस्टा पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्या मुल्तानी इंटर हो पाए? मुल्तानी मुल्तानी वेयर इज द मुल्तानी, मुल्तानी मुल्तानी मेरे ख्याल में मुल्तानी आई थिंक सो मुल्तानी इंटर नहीं हो पाए, आई थिंक सो मुल्तानी इंटर नहीं हो पाए। ओके, प्लान पाथ की बात करूँ तो मिड स्टेन हो गया, क्रैप ग्रास हो गया, पावर प्लांट हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हॉट ड्रॉप होने वाले हैं। उसके साथ ही यहाँ पर हमारा बुलुम स्टोर हो गया, और यहाँ पर होल्डर्स हो गया, और शिप यार्ड हो गया, लबर यार्ड हो, ये बिल्कुल सेफ एरियाज है। और यहाँ पर मिड स्टेन की बात करूँ तो मिड स्टेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और यहाँ पर जितने भी लड़के आ चुके हैं, यहाँ पर C7 फैज़ान आ चुका है, हसन हसन वगैरह आई थिंक सो उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, आई थिंक सो जाएंगे वो। मेरे ख्याल में जस्ट द वन जस्ट द वन जस्ट द वन जस्ट द वन मेरे ख्याल में गैस में जाने की कोशिश करें। उसके साथ ही यहाँ पर DW हसन भी आ रहे हैं, और जुटैक OP आई थिंक सो जुटैक OP, क्या जुटैक OP यहाँ पर आ चुके हैं? जुटैक OP वेयर इज़ द जुटैक OP, जुटैक OP साथ यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास ओ भाई साहब, हसन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्या यहाँ पर हसन सर्वाइव कर पाएंगे? लेट्स सी, देखते क्या होता है। यहाँ पर हसन के सामने 2 प्लेयर हैं, क्या हसन यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? लेट्स सी, देखते क्या होता है। यहाँ पर C7 हसन यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखना होगा। अभी बाकी है कि यहाँ पर 2 प्लेयर आ चुके हैं, यहाँ पर एक न्यू प्लेयर हमें देखने को मिल रहा है जो कि हसन के ऊपर यहाँ पर पुश कर सकता है। बट यहाँ पे हसन ने थोड़ा सा होल्ड करके खेलना होगा, हसन ने अपनी पोजीशन पर बरकरार रखनी हो। हसन थोड़ा सा हार्ड ड्राइव खेल रहे हैं, एग्रेसिव तरीके से खेल रहे हैं हसन। यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर आज हमें मिड स्ट्रीम के अंदर क्रैप ग्रास के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फाइट देखने को मिल सकती है, यहाँ पर 3 प्लेयर आ चुके हैं। मिड स्ट्रीम के अंदर भी 3 प्लेयर हैं, बेड एक्स और फैजान। ये आई थिंक सो बेड एक्स बेड एक्स बेड एक्स वर्सेज यहाँ पर हमारे पास C7 फैजान फैजान C7 फैजान वर्सेज बेड एक्स। लेट्स सी, देखते क्या होता है। फैजान यहाँ पर आई थिंक सो फैजान यहाँ पर सपोर्ट करेगी। फैजान वर्सेज बेड एक्स बेड एक्स बेड एक्स क्या यहाँ पर किल कर पाएंगे फैजान को? फैजान होल्ड करने की कोशिश करेंगे, फैजान यहाँ पर आगे की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे।
फैजान को यहाँ पर किल किया है बेड एक्स ने, ओपी गेम प्ले की है बेड एक्स बादशाह की जानव से, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले लौंडे की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत 3D थ्रस्टी वर्सेस यहाँ पर स्नेक की यहाँ पर होने वाली है फाइट। यूट्यूब गौरी पानी से ही के लोग हैं, लेट्स सी देखते क्या होता है, क्या यहाँ पर 3D थ्रस्टी स्नेक को यहाँ पर टेक डाउन कर सकते हैं या नहीं, लेट्स सी देखते क्या होता है। आई थिंक सो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जॉन विक भी आ चुके हैं, जॉन विक, अब जॉन विक को पोजीशन के बारे में पता चल चुका है, जॉन विक फ्लैंक करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से फ्लैंक करते हुए आगे की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। बेड एक्स बादशाह ने C7 फैजान को टेक डाउन किया है। यहाँ पर जस्ट द वन की बात करूँ तो जस्ट द वन वर्सेस यहाँ पर जस्ट द वन के सामने बिल्कुल ही यहाँ पर DW हसन यहाँ पर बिल्कुल ही ओपन में आ रहे हैं। आई थिंक सो यहाँ पर अगर बात करूँ C7 फैजान की तो थोड़े से जल्दबाजी किया जिसकी वजह से वो यहाँ पर टेक डाउन हुए। और यहाँ पर अगर C7 हसन की बात करूँ, C7 हसन मिडस्टन में अभी फाइट ले रहे हैं और यहाँ पर आमने सामने दो प्लेयर हैं, जस्ट द वन और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास है DW हसन। 3D थ्रस्टी ने यहाँ पर स्नेक को टेक डाउन किया है। और अगर एक कल की मैच की बात करूँ, जो टॉप टू पे प्लेयर बैठे हुए थे वो दोनों ही आमने सामने हैं, एक जस्ट द वन है उसके साथ, नहीं सॉरी DW हसन आई थिंक सो तीन किल के साथ है। अब यहाँ पर जस्ट द वन क्या सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये अभी देखना बाकी है, लेट्स सी। जस्ट द वन वर्सेस बहुत ही खूबसूरत मोल्टो किया गया है जस्ट द वन की तरफ से DW हसन की तरफ। यही होता है एक साउंड सुनने के बाद उस तरफ मोल्टो कर देना। और यहाँ पर जुटाई कॉपी टेक डाउन हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत किल निकाला लड़के ने, जुटाई कॉपी थोड़ा सा खतरनाक हो रहे थे और यहाँ पर जुटाई कॉपी टेक डाउन हो चुके हैं। क्या यहाँ पर TW हसन क्या यहाँ पर जस्ट द वन को किल कर पाएंगे? आई थिंक सो स्पॉट कर लिया। अब अपनी प्लानिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे और लेफ्ट राइट मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर हमारे पास DW हसन यहाँ पर क्या यहाँ पर जस्ट धवन को किल करने की कोशिश करें। अगर कैमरा एंगल की बात करूँ, अगर इस कैमरा एंगल को चेंज कर दिया जाए तो यहाँ पर जस्ट धवन के पास एक एज है कि वो हाइट के ऊपर है, और यहाँ पर DW हसन की बात करूँ तो वो ब्रोकन वॉल के पीछे। अगर जस्ट धवन यहाँ पर नेड कर देते हैं, स्पॉट कर ले तो यहाँ पर एक इजी पीजी किल निकाल सकते हैं। जस्ट धवन वर्सेस यहाँ पर हमारे पास है DW हसन, पोजीशन चेंज कर दी है और यहाँ पर आई थिंक सो होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड करके खेल रहे हैं जस्ट धवन। अगर वो यहाँ पर DW हसन को किल कर पाते हैं तो आगे सर्वाइव कर पाएंगे। तो कैमरा एंगल को हम लेकर चलते हैं, कहाँ पे फाइट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास बेड एक्स बादशाह को क्लियर कर दिया 3D थ्रस्टी ने, यहाँ पर टेक डाउन कर दिया। अगर हसन की बात करूँ तो हसन एक किल के साथ बहुत ही खूबसूरत खेलते हुए हसन ने थोड़ा सा सर्वाइव करना सीख लिया है, कि हसन ने पता चल चुका है कि अब किस तरह से सर्वाइव करना है। और यहाँ पर साथ आ चुके हैं टीम नंबर 11 के प्लेयर और मिडस्टन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो प्लेयर हैं, एक हमारे पास साथ है और C7 हसन है। हसन के सामने साद है जो कि 3-स्टोरी में है। और यहाँ पर मिडस्टन की बिग बिल्डिंग से बैठ के स्प्रे देना थोड़ा सा इजी रहता है और यहाँ पर किल निकाल सकता है अगर प्लानिंग के साथ C7 हसन खेले तो। C7 हसन वर्सेस साद, क्या यहाँ पर साद को टेक डाउन कर पाएंगे या नहीं? अरसलान ने यहाँ पर डायमंड को टेक डाउन किया और बहुत ही खूबसूरत स्प्रे C7 हसन की जानव से ओपी जीजी, बहुत ही खूबसूरत स्प्रे, बहुत ही आला तरीन एक स्प्रे। मिडस्टन के ऊपर C7 हसन का यहाँ पर कब्जा है और यहाँ पर C7 हसन मिडस्टन के अंदर झंडे अपने गाड़ते हुए। और अगर बात करूँ यहाँ पर जस्ट द वन की बात करूँ तो जस्ट द वन यहाँ पर DW वाले आपस में थोड़ा सा टॉम एंड जेरी का खेल पेश करते हुए यहाँ पर आई थिंक सो जस्ट द वन थोड़ा सा होल्ड कर, डॉक्टर असलान को 3D थ्रस्टी ने यहाँ पर टेक डाउन किया है। डॉक्टर असलान यहाँ पर टेक डाउन हो चुके हैं, क्या यहाँ पर जस्ट द वन DW हसन को टेक डाउन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेट्स सी देखते हैं। ये अभी थोड़ा सा अगर ये आउट जोन की बात करूँ तो जोन भी श्रिंक कर रहा है और यहाँ पर DW हसन भी आगे तरफ मूव ऑन कर रहा है। यार जितने भी देख रहे हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो ही खूबसूरत प्लेयर जो कि बहुत ही अच्छा खेलने वाले प्लेयर हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं। और जुटाई कॉपी यहाँ पर टेक डाउन हो चुके हैं, एरर यहाँ पर आगे की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एरर आई थिंक सो एरर की बात करूँ, एरर आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं 0 किल के साथ जो कि सामने है मिडस्टन के अंदर C7 हसन है। अगर ये मिडस्टन में घुसने की कोशिश करेंगे तो इसको आई थिंक सो C7 हसन बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे।
थ्रस्टी ने यहाँ पर क्रैप ग्रास को क्लियर कर दिया, जो कि दो प्लेयर है बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं। छः प्लेयर बाकी रह चुके हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास छः प्लेयर बाकी रह चुके हैं। ओवरऑल अगर प्लेयरों की बात करें, हमारे पास यहाँ पर गिमी किस रह चुके हैं, सी सेवन हसन रह चुके हैं, एरर रह चुके हैं, जस्ट द वन रह चुके हैं और थ्री थ्रस्टी रह चुके हैं। उसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास रह चुके हैं डी डब्ल्यू हसन। लेट्स सी देखते हैं बॉयज यहाँ पर क्या होता है। हसन, आई थिंक सो हसन ने स्पॉट कर लिया, आई थिंक सो हसन ने यहाँ पर एरर को स्पॉट कर लिया। मेरे ख्याल में एरर को यहाँ पर स्पॉट नहीं किया, हसन ने यहाँ पर एरर को स्पॉट नहीं किया। एरर बिल्कुल ओपन से आते हुए मेन बिल्डिंग की तरफ आएंगे और यहाँ पर होल्ड करके खेल रहे हैं एरर। एरर को पता चल चुका है कि शायद हो सकता है मिड स्टैंड के अंदर कोई बंदा हो तो यहाँ पर किल निकाल पाए। 3D थ्रस्टी यहाँ पर जा चुके हैं, 3D थ्रस्टी यहाँ पर, 3D थ्रस्टी ने यहाँ पर गेम में किस को यहाँ पर क्लियर कर दिया। 3D थ्रस्टी की तरफ से 6 किल, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले 3D थ्रस्टी की जानब से। और यहाँ पर अगर बात करूँ जस्ट द वन की यहाँ पर बात करूँ, 3D थ्रस्टी जिस तरह से एग्रेसिव होकर खेल रहे हैं, जिस तरह से इसने किल निकाले हैं, बहुत ही खूबसूरत किल निकाले हैं। थ्री डी थ्रस्टी के छः किल हैं। लेट्स सी देखते क्या होता है। 3D थ्रस्टी की अगर बात करूँ तो इस लौंडे ने 6 किल निकाले, क्रैप ग्रास के अंदर से बहुत ही खूबसूरत किल निकाले इसने। अब यहाँ पर अगर DW हसन की बात करो, दावान की बात करो, तो ये तीनों प्लेयर आमने सामने हैं और यहाँ पर 3D थ्रस्टी 6 किल के साथ आगे तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी देखते क्या होता है यहाँ पर, क्या यहाँ पर 3D थ्रस्टी यहाँ पर किल निकाल सकते हैं या नहीं किल निकाल सकते, क्या यहाँ पर DW हसन किल कर देंगे या नहीं किल करेंगे। यहाँ पर आई थिंक साउंड सुन लिया, थोड़ा सा होल्ड करेंगे बट जोन भी यहाँ पर श्रिंक करने की कोशिश कर रहा है। 3D थ्रस्टी वर्सेस जस्ट द वन वर्सेस DW हसन, लेट्स सी देखते क्या होता है यहाँ पर। DW हसन की तरफ से बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सफरे आते हुए, बट ये थोड़े से रिच का फ़ायदा उठाएंगे ये बिल्कुल। तो जोन का थोड़ा सा फ़ायदा ले रहे हैं 3D थ्रस्टी, बट यहाँ से जस्ट द वन भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप की अपनी पोजिशन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और जस्ट द वन ट्राई कर रहे हैं कि खेल निकालें सर्कल में जाके ताकि जोन टेक डाउन ना करें। यही टेक्निक बहुत ही खूबसूरत है कि आप अगर आप आउट ऑफ द जोन सबसे पहले जोन को की प्रायोरिटी दें। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जस्ट द वन जा चुके हैं, उसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास रह चुके हैं 3D थ्रस्टी और DW। क्या यहाँ पर DW हसन यहाँ पर निकल सकते हैं, क्या गाड़ी पे बैठ के यहाँ पर निकल सकते हैं, क्या यहाँ पर गाड़ी पे बैठ के निकल सकते हैं। लेट्स आई थिंक सो 3D थ्रस्टी आ चुके हैं, 3D थ्रस्टी भी आ चुके हैं, कोशिश करेंगे। आखिरी कोशिश जा रही है DW हसन की जानब से, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर अपने आप को सेव करते हुए, और यहाँ पर ये निकल चुके हैं, और यहाँ पर ये लड़का निकल चुका है। अगर गाड़ी को टक्कर ना लग के तो यहाँ पर वो यहाँ पीछे से DW हसन के सामने फॉरवर्ड ब्लॉक देंगे, यहाँ पर जस्ट द वन फॉरवर्ड ब्लॉक देने की कोशिश करेंगे, बट वो ब्लूमस्टर से होते हुए आगे तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रुक चुके हैं। क्या यहाँ पर DW हसन यहाँ पर अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, क्या यहाँ पर हील कर पाएंगे। ऊपर से आ चुके हैं जस्ट द वन, और यहाँ पर अगर जस्ट द वन करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही खूबसूरत स्प्रे जस्ट द वन की तरफ से, बहुत ही आला स्प्रे, बट जस्ट द वन टेक डाउन करने में नाकाम हो चुके हैं। C7 हसन की बात करूँ, C7 हसन और यहाँ पर एरर की फाइट अभी तक नहीं हुई। और 3D थ्रस्टी की बात करूँ तो 3D थ्रस्टी यहाँ पर 6 किल के साथ बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए, और यहाँ पर आई थिंक सो ये जोन में आकर बंदों को ढूंढने की कोशिश करें ताकि किल निकाल पाए। और यहाँ पर पहला दिन है लड़के का, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले करते हुए। और यहाँ पर DW हसन की बात करूँ, जस्ट द वन की बात करूँ, जो कि बहुत ही OP गेम प्ले करते हुए। और अगर यहाँ पर हसन की DW हसन की बात करूँ, वो यहाँ से निकल जा चुके हैं। DW हसन यहाँ से जा चुके हैं, जस्ट द वन को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से है और कहाँ से चले गए। तो बहुत ही खूबसूरत फ्लैंक देकर यहाँ पर अपने आप को सिक्योर करते हुए DW हसन 0 किल के साथ है, हर तरफ से बेचारों को पड़ रही है, बट वो ट्राई कर रहे हैं कि अपने आप को सर्वाइव कर पाओ। और हसन की बात करूँ, हसन यहाँ पर 2 किल के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेलते हुए, हसन के सामने 3D थ्रस्टी है जो कि थोड़े से एग्रेसिव तरीके से खेल रहे हैं, बिल्कुल ही रश के मूड में, बिल्कुल ही फाइट लेने के चक्करों में है।
जस्ट द वन उसके पास आ रहे हैं, 3D थ्रस्टी आ रहे हैं जो कि आ चुके हैं यहाँ पर। आई थिंक सो जस्ट द वन यहाँ पर उसको स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। जस्ट द वन के पीछे 3D थ्रस्टी आ चुके हैं, जस्ट द वन को पता ही नहीं चला कि उनके पीछे 3D थ्रस्टी आ चुके हैं। लेट्स सी देखते क्या होता है। जस्ट द वन के सामने 3D थ्रस्टी आ चुके हैं, वो आ चुके हैं यहाँ पर जस्ट द वन की तरफ ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट द वन की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 किल के साथ लौंडा यहाँ पर आ चुके हैं। आई थिंक सो नेड करने की कोशिश की जा रही है, नेड यहाँ पर किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत नेड किया, दृष्टि को टेक डाउन किया है यहाँ पर जस्ट द वन ने। बहुत ही खूबसूरत किल निकाला है, बहुत ही प्यारा किल निकाला है जस्ट द वन के हिस्से में पहला किल आते हुए। 3D दृष्टि बहुत ही अग्रेसिव तरीके से खेलते हुए अब यहाँ पर रह चुके हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर रह चुके हैं। DDB हसन रह चुका है यहाँ पर, हसन रह चुका है यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेयर 4 प्लेयर रह चुके हैं, 1 2 3 4 प्लेयर हमारे पास रह चुके हैं। एक हमारे पास एरर रह चुका है, वेयर इज़ द एरर मिडस्ट्रीम के अंदर है। जस्ट द वन यहाँ पर 3D थ्रस्टी को टेक डाउन किया, बहुत ही खूबसूरत खेल निकाला है 3D थ्रस्टी का यहाँ पर जस्ट द वन ने। बहुत ही प्यारे तरीके से M762 का स्प्रे दिया है जस्ट द वन ने पहला खेल OP गेम प्ले करते हुए। यहाँ पर हसन की बात करूँ तो हसन यहाँ पर हसन ने बहुत ही प्यारा सा प्रे दिया है। क्या हसन यहाँ पर एरर को टेक डाउन कर पाएंगे? एरर यहाँ पर जंप लगा चुके हैं, अब थोड़ा सा आउट ऑफ द जोन है तो एरर की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर एरर की अगर बात करें तो एरर भी जोन के अंदर है और यहाँ पर जस्ट द वन आगे की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। DDB हसन भी आगे की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन की बात करूँ तो हसन गाड़ी पकड़ के यहाँ पर मूव ऑन नहीं करने की कोशिश कर रहे, जस्ट यहाँ पर वो फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर वो किल निकालने की कोशिश करेंगे। हसन यहाँ पर एरर को स्पॉट करके उसको किल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी देखते क्या होता है। मेरे ख्याल से एरर का किल निकाल लेंगे अगर हसन को साउंड मिल जाए। हसन एक अच्छे खेलने वाले प्लेयर है, अगर हसन को यहाँ पर साउंड मिल जाता है एरर का तो वो यहाँ से किल निकाल सकते हैं। बस थोड़ा ही फासला बाकी है हसन का और एरर का एक दूसरे के साथ, तो हसन ने थोड़ा सा आई थिंक सो जोन में जाने को ही प्रेफर किया। बट यहाँ पर अगर एरर की बात करूँ, एरर थोड़े से पैनिक हो चुके हैं, थोड़े से डरे हुए हैं, एरर को पता नहीं कि प्लेयर कहाँ से आ सकते हैं। अगर जस्ट द वन की बात करूँ तो जस्ट द वन भी जून के एच पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वहाँ से खेल निकाल पाए। अगर यहाँ पर हसन की बात करूँ तो हसन भी यहाँ पर आ चुके हैं और एरर ने टैप 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 करने की कोशिश की तो यहाँ पर साउंड सुन चुके हैं। जस्ट यहाँ पर अब देखना ये होगा क्या यहाँ पर हसन वर्सेस एरर हो सकता है। एरर भी यहाँ पर टेक डाउन किया है हसन ने, C7 हसन ने बहुत ही खूबसूरत खेल निकाला है। लड़के ने क्या यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे? स्कोर कर गया। जस्ट द वन की तरफ से OP स्प्रे किया गया, बहुत ही खूबसूरत स्प्रे किया गया है यहाँ पर। अब जून भी आ चुका है, आई थिंक सो हसन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि जस्ट द वन ऊपर है और यहाँ पर C7 हसन क्या जून में अपने आप को एंटर करते हैं। स्प्रे देते हुए बहुत ही खूबसूरत स्प्रे देते हुए यहाँ पर गाड़ी पास चुकी है यहाँ पर जस्ट द वन टेक डाउन हो चुके हैं। जस्ट द वन की गाड़ी यहाँ पर जिस तरीके से फंसी और यहाँ पर जिस तरह से गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो इसके लिए थोड़ा सा मैनेज पॉइंट हुआ और हसन वर्सेस हमारे पास है DW हसन, हसन वर्सेस हसन। लेट्स सी देखते क्या होता है। यहाँ पर जस्ट द वन की गाड़ी जिस तरह से रुकी और जिस तरह से स्पीड कम हुई तो यहाँ पर जस्ट द वन का मरना तो बनता ही था और यहाँ पर सीसन हसन ने यहाँ पर टेक डाउन किया जस्ट द वन को। कल भी जस्ट द वन को हसन ने ही टेक डाउन किया, आज ही हसन ने फिर से जस्ट द वन को टेक डाउन किया गया है। आई थिंक सो कल अपने 2 दिन का बदला ज़रूर लेंगे जस्ट द वन आने वाले वक्तों में। बट अब देखना ये होगा कि ये इस वाले चिकन को कौन लेकर जाता है, DW हसन लेकर जाता है या C7 हसन लेकर जाता है। हसन वर्सेस हसन यहाँ पर अब चल रहा है, दोनों प्लेयर बिल्कुल ही आमने सामने आते हुए और थोड़ा सा फ़र्क है तो वो फ़र्क है कि गाड़ी से जैसे ही हसन उतरेगा तो यहाँ से पीक फायर कराएगा, कुछ भी करा सकता है। लेकिन हसन अभी थोड़ा सा आउट ऑफ द जोन है। अगर इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 छोटे से कंपाउंड है जहाँ पर कैंपिंग की जा सकती है। और आगे हसन की बात करूँ तो हसन आई थिंक सो हसन को पता चल चुका है कि यहाँ पर जो 3 घर हैं यहाँ पर एक बंदा हो सकता है। हसन वर्सेज हसन हो रहा है, हसन को बिल्कुल ही पता नहीं है कि कहाँ पर बंदा है। यहाँ पर हसन अटेक हसन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आते हुए और यहाँ पर DW हसन को नॉक कर दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हसन ने 5 किल निकाले हैं, बहुत ही अच्छा गेम प्ले किया हसन की तरफ से। भाई साहब
असन ने आज जो गेम प्ले की है वो काबिले तारीफ है। सी सेवन असन ने बहुत ही खूबसूरत किल निकाले हैं और यहाँ पर टी डब्ल्यू एसन जीरो किल के साथ है और यहाँ पर जस्ट द वन एक किल के साथ है। थ्री डी थ्रस्टिंग ने 6 किल किए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला। डॉक्टर असलान 1 किल के साथ है, 7 1 किल के साथ है। यहाँ पर डायमंड 1 किल के साथ है, बैड बादशाह 1 किल के साथ है। बाकी प्लेयरों ने कोई भी किल नहीं निकाला। जोटा को भी आज जल्दी मारे गए। अगर बात करूँ बैड बादशाह ने 1 किल निकाला, सी सेवन फैज़ान को किल किया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सी सेवन हसन ने बहुत ही जो फिनिश किया है गेम को, जो फाइनल एलिमिनेशन दी है, एलिमेट किया बंदे को, वो है हमारे पास सी सेवन हसन ने। बहुत ही प्यारा खेला है, बहुत ही गुड गेम किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या किल निकाला है यार, क्या किल निकाला, बहुत ही खूबसूरत किल निकाला थैंक है, बहुत ही अच्छा किल निकाला है। जी जी नाइस, गुड हो गया। ये जस्ट द वन की गाड़ी के साथ क्या हुआ है, मुझे समझ से नहीं आ रहा था कि जस्ट द वन की गाड़ी के साथ क्या हुआ वही है। तो जस्ट द वन अरे आपकी, गाड़ी रोकी जस्ट द वन की गाड़ी के साथ पता नहीं क्या वन प्रॉब्लम की हुआ है। गाड़ी जस्ट द के साथ वन आपकी क्या गाड़ी के साथ क्या हुआ है? प्रॉब्लम हुई, आपकी गाड़ी के साथ क्या हुआ भाई हमारे पाकिस्तान का जो नेट है ना, बस उसका ना पूछो। मैंने देखा आपकी गाड़ी आके रुकी और आते ही आप उसको रेस भी नहीं दे पा रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था, ना तो आप गाड़ी से उतरे, ना तो आपने कवर दिया, ना कुछ ऐसे। अचानक कनेक्टर ऐसा ही हुआ कि बस एक तो जी गाड़ी खाक ओके, हुई मैं 2 घंटे और पूरे करना चाहता हूँ। एग्जिट भी नहीं काम जी हो मैं रहा दो घंटे पूरे करना चाहता हूँ स्ट्रीम के, तो एक वो लगा दो, क्या कहते हैं, आर्केड मोड लगा दो, क्विक मैच, स्नैपिंग भी नहीं लगानी आप लोगों ने। लगा लेते ना वर्ल्ड, अच्छा हो जाएगा क्या लगाए? गेम प्ले वर्ल्ड, नहीं नहीं एक अच्छा वो ही रहेगा। लगा दो, बस 7 मिनट है, वही लगा दो, एक क्विक मैच लगा दो, बस एक क्विक मैच लगा दो। ठीक एफ है ए खान गेमिंग हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज जस्ट द वन का टाइम नहीं था। आज सी सेवन हसन ने कल भी टेक डाउन किया, आज फिर से टेक डाउन किया जस्ट द वन को, और बैड बादशाह ने सी ओपी सेवन ब्रो फैजान ओपी। को जिस तरह से टेक डाउन किया भाई, उसके बाद जो इमोट मारा है ना फैजान हसन भाई गुड गेम। हसन ने गुड गेम किया, बहुत ही प्यारी गेम किया हसन ने। यार अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो यार, 20 लाइक तो कंप्लीट करवा दो कम से कम। ठीक है, ब्राइटनेस ठीक तो है, ब्राइटनेस नेट है ना उसका तो पूछो ही मत। पाकिस्तान के नेट का इतनी बदबख्ती की इतनी खराबी, बस दिल करता क्या है होता है, मेरे जाकर सोचना स्कूल चले, मैं कह रहा हूँ स्कूल जाके चल रहा है, स्कूल चल रहा है, स्कूल चल रहा है, स्कूल मेडिसिन नहीं है यहाँ पर। सॉरी मेडिसिन कह रहा हूँ, स्कूल चल रहे हैं। मैं नहीं नाराज़ नहीं हो रहा बैड बादशाह, अच्छा, थैंक यू फैज़ान, फैज़ान कह रहे हैं मैं नाराज़ नहीं हो रहा, लेकिन फैज़ान फैज़ान ने जिस तरह से वो किया जंप करके आगे की तरफ, भाई 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 लैंडिंग मारको, ग्लिच लैंडिंग ग्लिच नहीं है, हो गया ठीक, गन नहीं है मेरे पास। बाय बाय बाय, देखते मार करो रोटी मार मार से। पूरा कर इसको, बंदे इस साइड पे वो क्या क्या हसन तू कैसे क्या ब्रो तरफ लेते सामने वाले ने गन उठाई तो मैंने बेल दिया, मैं उठा ना गन नहीं है ना कैसे यार मेरे कैसे पास भी। मेरे वेयर इज ही, वो सामने वाले घर में आई थिंक। सुन मार्कोर, जी जानी बोल, तुम्हारा पीटीए अप्रूव्ड है ना? जी जी ये पीटीए अप्रूव्ड, नहीं, कैंप कर रहे हैं।
गया पास लड़के बोता और आ रहा पापा बेटा बहुत बड़ी क्यों मुझे खाली नहीं चाहिए काम खाली नहीं चाहिए काम आएगा ग्रोज़ा चाहिए क्या किसी को मेरे को एमओ चाहिए थोड़ी सी मार खोर मैं एक घंटे बाद खोलता हूँ वो ना दावा देना तो कोई काम ठीक है आपने मुझे बताया था कल आगे दुश्मन है यार ये कैंप कर रहा है एक देख के हाँ ये कैंप कर चल चलिए चल चलिए होल्ड ब्रो मार के ये उस पे है ट्राली पे है छोटे वाली ट्राली नहीं है ठीक उसके अंदर है वो यार मुझे पढ़ सकते हो आई विल ट्राई डाउन देख के हाँ आगे मूव मत करना पीछे एक बंदा आ रहा है डाउन डाउन यार मैं यहाँ से थोड़ा सा होल्ड करना है मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ इसका बंदा आ रहा है पूरा स्क्वाड गया नाइस ब्रो मेरे को चाहिए हील चाहिए रे ब्रो बाबा हील चाहिए रे मेरे को भाई मारफोर भाई जी फैजान बोलो भाई क्या मेरे को थोड़ी सी पेंट वो मिल सकती है क्या एमओ बस एक मिनट मैं दे रहा हूँ इसमें मेरे पास गन नहीं थी अभी तक यार अच्छा अच्छा जोन में आ सर्कल में आ एक मिनट रिलोड मारने दे हाँ रिलोड मार सामने बंदे का मुझे थोड़ी सी एमओ मिल सकती है कौन सी 5 की नहीं 100 ही बटन बस जो मैंने रिलोड किए हैं अभी चल फिर ऐसे कर आगे आ यहाँ पे शील्ड तो बना नहीं सकते ना हम सामने वाले घरों में बंदे हो सकते हैं बट तू आ जा इस वाले घर पे पहुंच मार्क द लोकेशन इस पे क्या पहुंचना ब्रो उस पे जाना ही नहीं है वो तो आउट ऑफ जोन है गए 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 कोई पता नहीं है सबसे चलता रहे वो बाकी आंख मोशन भी चल रहा है थोड़ा राइट साइड पे निकलना चाहिए लेफ्ट साइड पे सॉरी जून मार देगा कोई फायदा नहीं है ब्रो मूव ऑन कर मोशन वाले से बच के स्मोक तो है मेरे पास शेक के नीचे उधर कौन सा वाला शेक शेक के साथ लोकेशन बस थोड़ा सा होल्ड कर मैं यहां पे ना मूव कर लूं मिल जा रे बाबा बस मैं जोन में आ चुका हूं लास्ट किधर है लास्ट वाला आखिरी गुड्डा किधर है वो आ रहा है नाइस जीजी ओपी मेरे पास एमओ ही खत्म हो गया गुड गेम नाइस जीजी ओपी आ जाओ बाहर नाइस चिकन यार बहुत ही प्यारा चिकन निकला हमारा
किधर चले गए मार भाई। भाई वो लीडर वो था ना, अहमद आ रहा है। चलिए क्विक मैच और लेगा, मजा आ रहा है, रश खेलते हैं। मेरे एमओ ही खत्म हो गई तो ओके यार लॉल। ये चलो स्टार्ट लगा कर दो, स्टार्ट। अच्छा। मैच तो नहीं है बड़ा, नहीं नहीं मैच तो बड़ा तो नहीं है मेरे ख्याल में, बड़ा नहीं लगाया मैंने, क्विक मैच ही है, आई थिंक सो क्विक मैच है। शॉर्ट गन दे के हाँ इकट्ठे रहना सारे। मैंने तो फॉलो किया हुआ था और उनको पता नहीं। चलो 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 इन्हीं घरों में रोक मेरे ख्याल से, इन वाले घरों में। या हाँ सही है, ये वाले थोड़ी लूट मिल जाएगी, 4-5 घर है। बंदा है, लूट लैंड हुआ साथ में, मेरे पास गन नहीं है। एम मिला मेरे को। हेलो ब्रो, वो तेरी माँ की आंखों। वे नहीं पूरा नहीं, पूरा नहीं भाई, पूरा नहीं यार, पूरा नहीं ब्रो। मेरे वाले घर के अंदर उसको गन कैसे मिली यार, आई डोंट नो। अहमद ऑफलाइन, अहमद आता है तो ऑफलाइन हो जाता है। बेड बादशाह क्या कर रहे हैं? बेड बादशाह मेरे वाले घर के अंदर। हाँ दो है, दोनों को पास गन है, ठीक है दोनों। मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है, मेरे घर में इसमें मैं मरा हूं वहीं पे। लॉल हां इधर ही है बंदे, इधर ही है। मार इसको, मुक्को से मार। इसका बंदा आ रहा है, तेरी यार जस्ट द वन वेयर ओ नाइस, बहुत ओपी यार, बहुत खूबसूरत लड़के, बहुत खूबसूरत। फॉर्म अप बस ठीक है, लीव कर, आजा आजा बाहर, आजा बाहर, आजा लीव कर, आजा। जस्ट अ वन कम आउट, रेडी करो बादशाह। पिस्टल 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 लेट्स सी देखते क्या होता है पिस्टल के साथ। पिस्टल मेरे पास, पिस्टल यार एक और मिल जाए मेरे को, मजा आ जाए कस में, एक गन मिल जाए। ठीक है ढूंढो यार एक गन। कम टू मी, कम टू मी, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, वेट। मिल गया मेरे से, हां
हाँ मेरे पास है यार, मेरे पास। थैंक यू। बंदे कहाँ पे लैंड हुए? I got supplies. I'm out. Need ammo. बंदा आ रहा है। ठीक है। पीसी हथियार है इसके पास। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। PC 18 भाई सिक्योर पे, वो नहीं छोड़ती, बिल्कुल नहीं छोड़ती। PC 18 कहाँ छोड़ती है? वो तो मार डालती है ब्रो। आई थिंक सो अब मेरे पास वो आएगा, शायद हो सकता है अच्छे वाला वो आ जाए, क्या कहते हैं, पिस्टल आ जाए। ऑल वेपन, मजा आएगा। मिल जाए ना कोई अच्छी सी गन तो भाई क्या ही बात है, वरना तो मुश्किल है। मुझे लगता है अगले मैच में ना ऑटो मैचिंग ऑफ करके खेलूँ, क्योंकि टीम वर्क होगा नहीं तो ऑटो मैचिंग ऑफ करके खेलना ही ठीक रहेगा। दत्तीर की वो बंदा आ रहा है मेरे साथ। अच्छा एक बंदा मेरा पीछे भाई, यही तो चाहिए था जिंदगी की राह में। वन डाउन। क्या उसको बचाने के लिए बुझाएगा या मुझे नहीं तो बुझा? Head toward this point. मुझे बस ये बंदा है ब्रो। फ्लेयर का क्या कर देना चाहिए? मुंह पे फेंको उसके, ये कुछ मरवा दे। नहीं यार बंद दो ना ब्रो प्लीज। अब मुझे ये डर रहा है अगर मैं लेफ्ट राइट से गया ना मुझे पड़ जाएगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। हेलमेट वैसे नहीं है मेरे पास। हेलमेट बस नहीं है मेरे पास। नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। माँ की आँख हर कुछ बंदे ही बंदे। आ रहा है कम बॉय। किसकी नहीं, मशीन गन की नहीं, मशीन गन की नहीं, मशीन गन की नहीं। असल में मेरे पास ना वेस्ट नहीं है, मेरे पास वेस्ट होती फिर तो शायद हो सकता कुछ। ये तो मेरे लड़के भी इधर उधर हैं। यहाँ पे साउंड आ रहा था। यहाँ पे बंदा है सामने। एक और बंदा आ रहा है। और बंदा आ रहा है। अच्छा, 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 अच्छा।
यार ये मुझे ब्लॉक कर देगा पता है मेरा बंदा। काश मेरे पास एक हेलमेट बेस्ट होती मेरे पास। एक और आ रहा है। ला 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 फंस गया मैं फंस गया। कुत्ती की मौत मरूंगा देखना। एक और वो बंदा नीचे से आ रहा है। चल भाई रिपोर्ट तब तो कुछ हो सकता है। नहीं यही गलत बात है। नंबर टू यहीं पे ठहरो। स्टे हियर स्टे हियर स्टे हियर स्टे हियर यहीं पे रहो यहीं पे रहो। मैं आपको हील करता हूँ। बस हेलमेट वेस्ट नहीं है ब्रो। जून में आना है। शिट वहां से भी मैं आ रहा है। मेरे एम पे नहीं। मार्क द लोकेशन। होल्ड मेरा था ब्रो किल। मुझे पहले पता था पीछे से पड़ेगी मुझे। नंबर टू नंबर टू नंबर टू ब्रदर हरी अप आई नीड हेल्प। नंबर टू भाई हेलो मिर्जा भाई। मैंने आपको दो आपके पास किट है हेल्थ है आपके पास लगाने के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। अच्छा ये बैंडेज रखो। हाँ ये हैं ये छोटी हैं। नहीं नहीं निकलना 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 यहाँ से निकलना चला जा चल दिया। हेल्प बचना मुश्किल। ऊपर था ऊपर सुबह से ऊपर खड़ा था। हाँ सुबह से ऊपर ही ठहरा हुआ था। नीचे आया ही नहीं भैंस की तुम आया ही नहीं है नीचे। Let's go again. यार उस बंदे का मुझे शक था उधर से ही मुझे मारेगा बट क्या करूं मार गया मेरे को। Mark the location.
जर्की के डबल गियर हाउस पे चले गए या सेंट्रल वालों पे चले? मैं तो बोलूं सेंट्रल वालों पे चले। स्पीकिंग भाई, स्पीकिंग बस चलता है। एक बंदा आ रहा है हमारे साथ, एक बंदा आया हमारे साथ। पता कचरी लपना है, और कुछ नहीं मिलना। गन ही नहीं है मां की आंख। I need a weapon। गन है किसके पास? क्या ब्रो, आला ना लो, बैरल पे ये। I got supplies। चलो जी, फाइट। कहाँ पे बंदे हैं ब्रो? बंदा मेरे सामने। मैंने एक बेस्ट दे दो, तो बंदे रखोगे। Enemies ahead। हाँ, उसी साइड पे। ऊपर आ जाओ, चल ऊपर, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर ही, हाँ ऊपर ही बंदा होगा। बोट फायर दे रहा है। नहीं भाई, ऊपर ही है। हाँ ऊपर ही, ऊपर ही। मेरे पास बंदा, वो भाई साहब मैंने नॉक किया, उसने मुझे नॉक दिया। मुझे रिहील करो, मुझे रिहील करो। एक मुझे बचा, एक एक कवर करे। मैं करेगा यहाँ से पीछे से, लोकेशन पीछे से करेगा। देख क्या, अरे 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 नाइस जी, बोट आया पीछे। और नहीं बन रहा है पीछे। मार्क नंबर फोर, वॉच आउट, वॉच आउट। बारल पड़ेगी, किसको चाहिए क्या? एमो नहीं है इसकी।
पहले ज़ून आओ, ज़ून आओ, नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, नंबर वन, ज़ून आ जाओ भाई। ओके ज़ून आ जाओ। सामने वाले घरों में बंदे हो सकते हैं जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, शायद हो सकते हैं, बोट भी हूँ। लाशें पड़ी हुई, लाशें, लाशें। कैंबूरा, कैंबूरा, कैंबर भी हो सकते हैं, वल्लाही नहीं है, बाहर बाहर होंगे या बोट होंगे। तेरी माँ की आंख दोनों इकट्ठे थे ब्रो। इनके पास कुछ भी नहीं था पता है, कुछ भी नहीं था इनके पास, इनके पास कुछ भी नहीं था सिर्फ और सिर्फ पेन के अलावा, तब के अलावा कुछ भी नहीं था। लग जा मैचिंग, हो जा मैचिंग, हो जा, हो जा, हो जा। पहले वाले तीन वेयर उस पर लैंड करवाना, नंबर तीन, नंबर तीन भैया, वेयर इज द नंबर थ्री, पहले वाले तीन वेयर उस पर लैंड करवाना। वल्लाह थ्री वीरोस, बंदे लैंड कर गए यार, लेट हो गए, शिट शिट। नहीं यार एक गन चाहिए मेरे को, सप्लाइज। बंदा आ रहा है, ओह शिट, उसको उठा रहे थे। चल रहा है यहाँ पर। I need consumables. मेरे पास नहीं है, अल्लाह ही मेरे पास नहीं है। बंदा आ रहा है, बैंडेज है मेरे पास थोड़े से, मैं इतने दे सकता हूँ। ये पड़ा है। नो
थिंक कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ नहीं मेरी तरफ आओ। मेरी तरफ आओ, आपको हील मिल जाएगा। Marked a location. Marked a location. Marked a location. बस तुम चलते रहो। I got supplies. बंदा है मेरे पास। इस साइड पे हो बॉयज 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 इस साइड पे। वॉच आउट। यार एक डीपी वाला था, वो किधर है? निकलो जोन में, निकलते हैं। जल्दी से आ जाओ पानी क्रॉस करने। बंदा जा रहा हूँ ऊपर से। बड़ा पीछे रह गया एक। बर्तीन मारा ही यारी को कहाँ जुड़े। Good, GG. Marked an enemy's death crate.
Where is just the one? Someone to invite to you. No, no, ignore. Assalamu alaikum. आपको तो जब होगा होगा, हम तो आपको गिव अवे कर दें यार, जो है हमारे पास। सर 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 मैं भी आपको गिव अवे कर देता हूँ, ये लो सर 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 चलो रेडी करो, चल के स्टार्ट करते हैं। रेडी करो। हेलो सर, कर वाइट संग गए पश्तूना वाड़े बलूची बलूचे नाइस लड़चे पे खबर किस तूल माल रावड़ा ताजा ताजा गुलू ना माल रावड़ा कैसे मैं ठीक ठाक, आपने कैसे हैं? क्या कह रहे हो? ताज़ा बोलूँ ना, आपका YouTube चैनल भी है? हाँ मैं अभी भी लाइव हूँ। हाँ भी लाइव है अभी भी। आप स्ट्रीम में हो? हाँ पहले मैंने कस्टम रूम करवाए हैं, 3 700 यूसी वाले वो कंप्लीट हो गए हैं, अभी थोड़ा सा टाइम रहा था मेरे को। चलो यार मेरा फोर्स किसी शोर आ रहा है। नहीं नहीं भाई, आप यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? गन नहीं है मेरे पास, भी नहीं है, क्या करें? ये पिस्तौल का है। सामने वाले को नंबर 4 को जिसने डाउन किया ना, उसके पास बहुत गंदी चीज है। यहाँ से नीचे चलता हूँ, यहाँ से अच्छा यहाँ से नीचे नीचे पिस्टल ऊपर है यार, एक बंदा अभी भी है ऊपर है यार, आजा ऊपर चल ऊपर चल। कहाँ पे था ये हेड्रा? इधर है मेरे पास। मैंने ना किया ये क्या सीन है इनका, बुला रहे हैं या बहुत से रियल में? Oh
चला जा दस जस तो वन आजा जा कम कर अभी बंदा है यार बंदा है ये रियल है डैमेज ऊपर ऊपर ये है डैमेज है है रियल जान से आ जाओ मेल तो कर रहे थे ना बस हाँ मेरे पास है मैं लगा रहा हूँ वे एफए एफए फरात क्यों नहीं आया आज भाई एफए थोड़ा काम में बिजी था पर हाथ भी ऐसे समय ले बस वो एक रूम में आया बस चल इसके बाद ले बम बम वाला ठीक है बम बम वाला बम 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 मार्क द लोकेशन नो नो जोन के अंदर शहजाद भाई यहां पे पीसी 18 पड़ा है बहुत ही प्यारी गन है अच्छा एक मिनट मैं आता हूं बंदा है मारो रखो यूट्यूब के सेम कलम क्या है माहौर प्लेस माहौर प्लेस आप स्ट्रीम पर आते हो नहीं स्ट्रीम तो आता तो नहीं आप जब रूम को रूम में लोगों को इनवाइट करते हो तो रूम क्यों ने करते हैं क्या होता है यार बहुत इंतजार ये करता है यार वो इंतजार करना पड़ता है ना जब तक प्लेस पूरे नहीं होगा तो कैसे स्टार्ट कर देगा ना रूम दबंद करो उन्हें लगा के देना यार ये स्पेक्टेट करता है ये क्यों किधर है अकेला बंदा यार डोडो यार क्या मैं ज़ोन में हूँ अभी तक चिकन डिनर हो गया विनर विनर चिकन डिनर नाइस गुड जीजी बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत प्यारा क्या प्यारा चिकन डिनर बहुत प्यारा मार्को फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ ठीक है आप गेम करो स्ट्रीम करो मैं भी बंद करने लगा टाइम ज्यादा हो गया मैं भी निकल रहा हूं चलिए फिर अल्लाह हाफिज़ जी जी फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे ठीक है ओके ब्रो सरकार भाई मैं भी अभी चल रहा हूं बाद में ओके 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 अल्लाह हाफिज़ ओके बॉयज थैंक यू सो मच जिन्होंने ज्वाइन किया जिन्होंने सपोर्ट किया थैंक यू लव यू ब्रो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू लाइव स्ट्रीम की तरफ तो अपनी दुआ में याद रखना तो तब तक अपनी दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़ लव यू